Am I audible to all of you? Chalo. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are well. Main sabse pehle aapko apna introduction karwata hoon. Mera naam Akhtar Malik hai aur main PMS 2020 mein recently meri allocation hui hai. And currently I am serving as Assistant Commissioner UT Bahawalpur. Alhamdulillah, I remained the GK topper twice in PMS 2019 as well as in PMS 2020. 2 saal consecutively maine GK top kiya hai pure PMS mein. Aur main chunki GK padhata bhi hun to almost 2-1 saal hone wale hain. Alhamdulillah, with a lot of success stories. तो मैंने सोचा, मेरे स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा कंपेल किया कि आप एक पीएमएस का खाली एक ओरिएंटेशन सेशन रख दें. मैं कोई पीएमएस की तैयारी नहीं करवा रहा आप लोगों को, मैं एक जस्ट आप लोगों को एक सेशन दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने डू और डोंट्स क्या है पीएमएस के, आपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने आपने पेपर अटेम्प्ट टेक्निक क्या है, सीएसएस पीएमएस में फर्क क्या होता है, और उसके बाद फेलियर की क्या रेशियो होती है. ठीक है, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूँ. व्हाट वाज योर, क्या लिखा है? अच्छा, पीएमएस के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. ये पीएमएस ना ऐसी चीज है कि इसमें आपको पॉइंट्स, हमारे तो एक एक नंबर के ऊपर को 5-5 एलोकेशन हुई है. ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में एलोकेशन हुई है इस दफा हमारी बारी पे. उससे पहले शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारी बारी पे एक एक पॉइंट, एक एक नंबर के ऊपर तकरीबन 4-4, 5-5 लोगों की एलोकेशन हुई है. तो आप लोग ये जरा देख लेंगे, पीएमएस में नंबर बहुत बड़ा मैटर करते हैं जी. ये आज की, इसके बाद मैं जीके की क्लास लूंगा, वो मेरी अपनी क्लास होती है जो रोज की बेसिस पे होती है. ये जस्ट पीएमएस से ही रिलेटेड है, तो जिसने पीएमएस देना है वो ये ले सकते हैं, नहीं देना वो जा सकता है छोड़ के. ठीक है जी. सबसे पहले पीएमएस है क्या? पीएमएस बेसिकली प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है जो कि 2006 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है. यार आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस को होल्ड कर सकते हैं, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, देन आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, लेट मी टॉक फर्स्ट एंड देन आई विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ द सेशन. अच्छा जी, तो ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है जो कि 2006 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और उससे पहले ये पीसीएस होती थी. पीसीएस से पहले जो है वो जनाब वाला पीएसएस सर्विस होती थी. तो मेरे ख्याल से 1983 में पीसीएस सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का ये 11वां बैच अभी जो हम लोग हैं फील्ड के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग बल्कि कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, ये 11वां बैच अभी 12वां आएगा. सीएसएस का तो 50th अभी कॉमन चल रहा है. अभी सीन ये है कि इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद चूंकि आपकी जो सूबाई सर्विस है, प्रोविंशियल सर्विस है, ये काफ़ी ज़्यादा एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है. उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न ये है कि सूबे के अंदर चूंकि सूबाई खुद मुख्तारी है, तो लिहाजा यहाँ पे प्रोविंशियल सीट्स ज़्यादा हैं और उनकी रेशो भी ज़्यादा है. इस वक्त मोर देन 125 ACs PMS के काम कर रहे हैं पंजाब में. टोटल 1200 की स्ट्रेंथ है PMS ऑफिसर्स जो कि पूरे पंजाब में सर्व कर रहे हैं, पहले बैच से लेकर अब तक के बैच में 1200 की स्ट्रेंथ है. और SNGAD आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, SNGAD वहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वहाँ पे कोई एडमन है, कोई एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच है, कोई क्या. तो वो हर साल सीट्स अनाउंस करते हैं और हर साल आप पेपर देते हैं, उसके बाद आप फील्ड में आते हैं. आपका पहले साल ट्रेनिंग का होता है, दूसरा साल सेक्शन ऑफिसर का होता है, और उसके बाद आप AC अपॉइंट हो जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आप अपॉइंट हो जाते हैं. इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 26 के करीब DC जो हैं वो आपके PMS सर्विस से हैं. और सूबे में हम पंजाब की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी रेशो है PMS सर्विस की. इसी तरह से कुछ 4-5 कमिश्नर्स हैं हमारे, चार पांच कमिश्नर्स पैस, और पैस के चूंकि वो सूबाई फेडरल लेवल पे लगते हैं लोग, तो इसलिए वो डिवाइड हो जाते हैं हर साल, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है एज कम्पेयर टू PMS, और वो पूरे चारों सूबों में डिवाइड हो जाते हैं. तो PMS के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं. 1200 सब्जेक्ट का ये आपके पास टोटल PMS होता है. 1200 में से जिसकी एलोकेशन होती है वो 760 नंबर होते हैं, 760 जिनकी एलोकेशन आराम से कह लेंगे, आराम से तो नहीं होती, 760 प्लस आपका स्कोर होगा, 760 प्लस आपका रिटर्न का स्कोर होगा,
पीएमएस के अंदर तो आपकी जाके एलोकेशन होगी, सीएसएस की तरह नहीं है। सीएसएस में तो आपके 630 35 40 नंबर की आजम एलोकेशन हो जाती है, 650 प्लस हो तो पक्की एलोकेशन हो जाती है, नॉर्मली यही ट्रेंड होता है, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू के ऊपर। 1200 का टोटल ये स्कोर होता है रिटर्न का, और उसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 200 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है 200 का, तो टोटल 1400 का आपका ये पीएमएस होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मजीद डिस्कस करते हैं कि पीएमएस है क्या, इसकी एज लिमिट क्या होती है। 21 से 30 साल इसकी टोटल उम्र होती है जो कि अप्लाई कर सकते हैं, तीन इसके चांसेस होते हैं, 21 to 30 ईयर्स। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको दो एक साल की रिलैक्सेशन दे देते होते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज इसकी जो टोटल एज है वो 21 से 30 साल इसकी टोटल उम्र है अप्लाई करने की। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 2 साल कंसेशन होती है, रियायत होती है जी, उनकी 32 होती है, 21 से 32 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद में आपको वेबसाइट से पता चल सकता है, मेरे ख्याल से बैचलर्स ही है और जो है वो तकरीबन उसमें बाकी आप देख लें कि कितने परसेंटेज वो मांगते हैं आपसे, मेरे ख्याल से सी ग्रेड होता है या बी ग्रेड होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स इसके जो है वो इसके पहले मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स बताऊंगा, उनकी बुक्स बताऊंगा, आपने उनको तैयारी कैसे करनी है, ये सारा कुछ कैसे करना है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, फिर हम ऑप्शनल की तरफ जाएंगे। एक तो होते हैं इसके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, और 6 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका इंग्लिश प्रेसी होता है, ऐसे, और इंग्लिश प्रेसी दूसरा पेपर हो गया, तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान अफेयर्स है, इसके अंदर पाक स्टडीज, चौथे नंबर पे आपका जीके का पेपर है, फिर पांचवें नंबर पे आपका इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज, और छठे नंबर पे आपका आ जाता है जी आपका उर्दू, इसमें उर्दू का पेपर भी है। तो ये मैं आपको इनके बारे में पहले थोड़ी तफसीलन बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद ऑप्शनल्स की तरफ लेके जाऊंगा, उनकी बुक्स भी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मेरे पास क्योंकि पिछले साल का जो प्रीवियस ट्रेंड है मार्क्स का, स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहा है वो भी है मेरे पास, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सूट करने चाहिए। अच्छा, 5 ईयर्स है रिलैक्सेशन, मुझे नहीं पता 5 है कि 2 है, तो वो आप लोग देख लेंगे कितने साल है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, उसको गौर नहीं किया। मैं आपको सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बेसिक वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश एसे की बात करते हैं, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी, इस दफ़ा प्रेसी ज़्यादा हिट हुआ है, इंग्लिश एसे भी हर साल ही हिट होता है, लेकिन इसमें लोग निकल जाते हैं, ये सीएसएस के निस्बत आसान होता है इसको टैकल करना। और ये मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, ये 1500 वर्ड्स का होता है पीएमएस में और 2 आवर्स का होता है इंग्लिश एसे जो है। सीएसएस में डिफरेंट है, सीएसएस में 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, 2500 वर्ड्स का, और 3 आवर्स होते हैं सीएसएस के लिए। पीएमएस में 2 आवर्स होते हैं, 1500 आपका टोटल वर्ड्स लिखने होते हैं, वर्ड काउंट 2 घंटे के अंदर, उसी में आपने आउटलाइन भी बनानी है, सारा कुछ लिखना है। अब ऐसे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ऐसे के लिए एक तो आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, नंबर वन, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। नंबर टू, जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है ऐसे के अंदर वो ये है कि आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर हो, ग्रामर के हवाले से कोई मिस्टेक्स ना हो। तीसरे नंबर पे वोकैबुलरी थोड़ी सी इंप्रूव्ड हो, बेहतर हो, सिंपल हो, लेकिन थोड़ी सी अच्छी वोकैबुलरी हो, थोड़ी बेहतर वोकैबुलरी हो, कोई डिसेंट लैंग्वेज यूज की हुई हो। चौथे नंबर पे आपके आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी, आपके आर्ग्यूमेंट्स किस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं और किस हद तक रेलिवेंट हैं ऐसे के अंदर। तो ये इंग्लिश ऐसे के लिए मैं आपको 2 किताबें बताऊंगा जो कि मैं समझता हूँ कि बाकी किताबों से थोड़ी सी बेहतर किताबें हैं। आपने उन बुक्स को हॉली बुक्स नहीं मान लेना, नऊज़ बिल्ला, आपने उन बुक्स से ये देखना है कि उन्होंने अपनी पैराग्राफिंग किस तरह से की हुई है। एक तो है अथेंटिक एसेज बाय अमर जजा, थोड़ी सी बेहतर किताब है, जजा साहब ने चूँकि वो सीएसएस भी उन्होंने किया है, पीएमएस ऑफिसर भी पहले रहे हैं और पैस में भी गए हैं, पहले वो पीएमएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने ये किताब लिखी, अपने सारे एसेज कंपाइल किए हैं, अथेंटिक एसेज बाय अमर जजा, एक तो ये किताब है। दूसरी, हमारे पीएमएस के टॉपर थे अरसलान चौधरी, वो भी पीएमएस पहले में थे, उसके बाद सीएसएस हुआ और सीएसएस में चले गए पास में, उनकी किताब है अथेंटिक एसेज, सॉरी उनकी किताब है कंपिटिटिव एसेज,
ठीक है जी। कॉम्पिटिटिव एफेयर्स, कॉम्पिटिटिव एसेज बाय असलान चौधरी, बाय असलान चौधरी और उसके बाद दूसरी किताब ऑथेंटिक एसेज। और ये पीएमएस में ऐसे लिखना, आप लोग फ्रेजेज में ना लिखेगा प्लीज, फ्रेजेज वाले मैंने ज्यादातर फेलियर्स देखे हैं। फ्रेजेज ये होते हैं कि आपने आधी लाइन का जो है ना एक फ्रेज डाल दिया, किसी रीजन लिख रहे हैं, कॉजेज इम्पैक्ट्स लिख रहे हैं, या कोई आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ऐसे के अंदर। काइंडली आप उसकी एसेंस को समझें, और आपने बजाय फ्रेजिंग के आपने सेंटेंस के अंदर आउटलाइन को बनाना है, और आउटलाइन कम अज कम 3 से 4 पेजेस की होनी चाहिए। फुल टाइम मतलब वो देखे आपका ऐसे खोले और उसको लगे यार बाकी बंदे कुछ पता, ये ना हो कि आपकी 1.5 पेज की आउटलाइन और उसके बाद खत्म। पास तो आप हो जाएंगे शायद, मे भी हो जाए मे भी, लेकिन आपके नंबर बड़े काम आएंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपकी आउटलाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ठीक है जी। ऊपर आपका आर्ग्यूमेंट दिया हो, नीचे आपकी एग्जांपल्स दी हुई रेलिवेंट, और उसके बाद ऑनवर्ड्स अगले आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा होना चाहिए। 1 पेज का इंट्रोडक्शन बहुत होता है, 1 पेज का बहुत होता है इंट्रोडक्शन, और कंक्लूजन आधे से थोड़े कम पेज, इंक्लूजन आधे से थोड़े से ज़्यादा पेज का होता है, ठीक है जी। 1.25 पेज का कह लें, यानी कि पेज का जो तीसरा है 1/3 ऑफ द पेज या 3/4 ऑफ द पेज कह लें, तो वो जनाब इतना आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये ऐसे के लिए मेरे ख्याल से आपने करना ये होता है कि आपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपने कुछ वेबसाइट्स में आपको बता रहा हूँ, आपने वहाँ से मटेरियल इकट्ठा करना होता है। एक आपकी है स्ट्राफ एशिया, स्ट्राफ एशिया, एक है इपरी IPR इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक है जिना इंस्टीट्यूट। ये मैं वो तरीकाकार बता रहा हूँ, जिना इंस्टीट्यूट। अब आपके पास 3 महीने मैक्सिमम, मुझे लगता है कि अप्रैल में पेपर हो जाने हैं, पहले दूसरे वीक्स में पेपर हो जाने हैं। अब आपने करना ये है कि इन वेबसाइट्स को जाना है, स्टाफ एशिया, इपरी, जिना इंस्टीट्यूट है, उसके बाद एक दो और भी किताब वेबसाइट्स हैं आपकी। करंट अफेयर्स के लिए एंड्रू क्रिको को पढ़ें, जाहिद हुसैन को पढ़ें, मलिहा लोधी है उसको पढ़ें, ठीक है जी। उसके बाद जनाब वाला आपकी क्या कहते हैं नियाज मुर्तजा है उसको पढ़ें, उसके बाद आपका फॉरेन पॉलिसी पे वो बहुत अच्छा लिखता है, क्या नाम है उसका, फॉरेन एम्बेसडर भी रहे हैं, अभी नाम माइंड में आ जाएगा, ठीक है जी, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उसके बाद जफर नवाज जसपाल सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा लिखता है, फरजाना बारी औरतों के ऊपर बड़ा अच्छा लिखती है, वुमेन के ऊपर, ठीक है ना। तो इन लोगों को आप पढ़ा करें, डॉन अगर आप पढ़ते हैं, कोई और भी अखबार पढ़ते हैं तो अच्छे आर्टिकल्स निकालें, उन आर्टिकल्स को कोई टॉपिक उठाएं, डेमोक्रेसी पे उठाया, गवर्नेंस पे उठाया, एजुकेशन पे उठाया, IT के ऊपर उठाया, ठीक है जी, डिफरेंट फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे उठा लिया, इकोनॉमी पे उठा लिया, उन आर्टिकल्स को आपने पढ़ना है, उन्हीं की लैंग्वेज को आपने समझना है, उसी के जार्गन्स अपने ऐसे में यूज़ करने हैं, ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का, फैक्ट्स एंड फिगर्स का, ताकि आप अपने ऐसे के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है जी। जब आप कहते हैं अपने उनको 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 फिर एक साइड पे लिख दें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के एक अलग पेज पे लिख दें उनकी, और आपने उनकी पूरे का पूरा सेंटेंस उठा के कॉपी करना होता है, ताकि आपको वहां से कैची वर्ड्स मिलते जाएं, कैची सेंटेंसेस मिलते जाएं आउटलाइन में डालने के लिए। अब आपने आर्टिकल पढ़ा, उधर से अच्छी लैंग्वेज वाला कोई जार्गन, कोई अच्छा सा सेंटेंस उठाया, इधर कॉपी कर लिया आपने अपने पेज के ऊपर, ठीक है जी। डेमोक्रेसी का पेज है उसको अलग बनाया, उसके लिए 3-4 पेजेस छोड़ दें, वहां से कैची सेंटेंसेस उठाते गए, यहाँ पे लिखते गए, इससे आपका आउटलाइन का मटेरियल तैयार हो रहा है, आपका ऐसे भी आराम से तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर आर्टिकल पूरा पढ़ा होगा, उसी में से पॉइंट्स निकाले होंगे। एक आर्टिकल नहीं, आपने 2-3-4 आर्टिकल पढ़ने, और आर्टिकल लंबे भी होते हैं, 15-20 पेजेस के भी होते हैं, कोई 2 पेजेस का भी होता है, तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। लेकिन वैल्यू अच्छी चीज पढ़नी है, आपको पहले पता चल जाता है ये आर्टिकल किस तरह का है। तो ऐसे को तैयार करने की स्ट्रेटेजी मेरी तो यही रही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बड़े टीचर के पास गया, धक्के खाए, लेकिन टीचर से मैं समझता हूँ कि ठीक है, इवेल्यूएशन बंदा करवा ले, कुछ टीचर्स बैठे हुए ठीक है, लेकिन बाकियों का आपको पता है मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। उसके बाद दूसरी बात है प्रेसी, ये जो प्रेसी का पेपर है इस दफा बड़ा गंदा हिट हुआ है, तो आप इसको पेपर को हल्का ना लें। इंग्लिश प्रेसी में क्या क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यार मैं यहाँ पे टीचर्स को नहीं प्रमोट कर सकता, मैं मुझे टीचर्स का पता ही नहीं है, मैं जो है ना मुझे तो जो भी मिला है मैं तो उसको नहीं समझा ठीक, हालांकि मैं ठीक ठाक टीचर से पढ़ाऊँ, मुझे तो हर एक ने रगड़े लगाए हैं, चूना लगाया है, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है ना इस तरह हो रहा है, तो मैं नहीं बताऊँगा आपको। बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं नाम बताऊँगा आपको,
मुझसे वैसे कोई पर्सनल पूछना चाहे तो वो बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद इंग्लिश प्रेसी है, इंग्लिश प्रेसी को आपने किस तरह से करना है। इंग्लिश प्रेसी को आपने, ये पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है, इसमें प्रेसी होती है, पीएमएस के अंदर कंपोजिशन कोई नहीं होती। कंपोजिशन की जगह 200 वर्ड्स का एक आपको पैराग्राफ लिखना होता है, आपने उस पैराग्राफ को लिखना होता है। चार आपके पास टोटल पैराग्राफ्स होते हैं, उन चार में से कोई एक आपने लिखना होता है। चार क्या होते हैं, लेट्स सपोज वो आ जाएगा आपसे जी यूज ऑफ मीडिया इन 21st सेंचुरी। आप उसको फिर आपने ब्रेक कैसे करना है, 200 वर्ड्स हैं, आप उसकी पॉजिटिव एडवांटेज पॉजिटिव लिखें मीडिया के, नेगेटिव लिखें यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर आपका मीडिया का इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में, सोशल स्फेयर में यूज क्या है वो दिखाएं आवाम को, किस तरीके से मीडिया के ऊपर जो है ना आवाम की ओपिनियन चेंज की जाती है, उसके बाद एक परसेप्शन बिल्ड की जाती है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में कैसे। इतनी देर में लिखेंगे 200 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह के टॉपिक्स आते होते हैं और उन्हीं टॉपिक को ब्रेक आपने ऐसे करना होता है, ठीक है जी। तो अच्छा खैर, आपने 200 वर्ड्स का पैराग्राफ 20 नंबर का होता है कंपोजिशन की जगह पीएमएस के अंदर, इंग्लिश प्रेसी के पेपर में 20 नंबर की कंपोजिशन आपकी, कंपोजिशन के लिए प्रेसी आती है 20 नंबर की। प्रेसी के लिए जो अब तक की मुझे सबसे अच्छी किताब लगी है, मैं आपको उस टीचर का मैं नाम भी बता देता हूँ और उसकी किताब भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है। मुझे मेरी प्रेसी, मैंने आज तक प्रेसी कहीं से नहीं पढ़ी, ऐसे पढ़ा है, प्रेसी मेरी उनकी वजह से पास हुई है और मैंने लिखी भी टोटल 10-12 प्रेसियाँ होंगी, समझी थी बस ये होती क्या है। प्रेसी को करने का तरीका ये होता है कि उसमें आपने एक तो एग्जाम्पल्स को नहीं लिखना होता, थोड़ी सी इंग्लिश को समझ के लिखना होता है और तीन तीन सेंटेंस हैं तो उनको ब्रेक करें और एक एक सेंटेंस उसको लिखें, तीन तीन की मीनिंग समझ के बार बार आप उसको पढ़ें, ब्रेक करें, दो दफा पढ़ें, तीसरी दफा आप उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दें। दो दो सेंटेंस हैं तो उनको आधे सेंटेंस में या एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें, तीन तीन सेंटेंस को एक एक सेंटेंस में करते जाएंगे, आपकी प्रेसी हो जाएगी। और उसके लिए सर सबाहत की किताब है प्रेसी की, इतनी सी किताब है, बिल्कुल छोटी सी किताब है। उन्होंने क्या किया हुआ है, पीएमएस और सीएसएस की प्रेसी को सॉल्व किया हुआ है, वर्ल्ड टाइम पब्लिशर्स हैं, प्रेसी की किताब बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने छोटे छोटे सेंटेंस की भी प्रेसी की है, वो आपको समझ आ जाती है। उनमें उन्होंने 10-12 रूल्स भी लिखे हैं प्रेसी करने के, क्या तरीकेकार होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। सर से बात की, दूसरी इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने करने के लिए आपने करना यह है कि आपने जनाब वाला आपने टू दी पॉइंट एक किताब है आफ्ताब अहमद की, आपने वो बुक उठानी है टू दी पॉइंट, वहां से आपने पास पेपर निकाल लेना, पिछले 2 साल के कम अज कम पास पेपर आपके सामने खुले होने चाहिए पीएमएस के, और सिलेबस भी साथ में रखा होना चाहिए और पास पेपर भी आपके खुले होने चाहिए। ये मैं आपको क्रैक्स बता रहा हूँ, आपको मैं इधर उधर की नहीं मार रहा, ये क्रैक्स जो मैंने किया है ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर ये चीजें हो जाएं और आप इसको साइड पे करें। ऐसे ही होता है तैयारी, बिल्कुल शॉर्ट टाइम स्मार्ट तैयारी करें आप, कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ने की और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की। टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी, आपने एक हफ्ता एक सब्जेक्ट को फड़का देना है, दूसरे हफ्ते में एक दूसरा सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जब सब सब्जेक्ट्स हो जाएं फिर आप उनकी रिवीजन करके फिर तीन तीन साल के पास पेपर अटेम्प्ट करके फिर किसी को चेक करवाएं, ठीक है ना। ये तरीका कार होता है, इतने कम टाइम के अंदर हो जाती है तैयारी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ा उसी को पढ़ा। मैं बताता हूँ वो भी आपने कैसे करना है। उसके बाद वहीं से आपने प्रेपोजिशन भी की है, उसी बुक से प्रेपोजिशन बहुत अच्छी दी हुई है, उसी बुक के अंदर से आपने एक और काम करना है प्रेपोजिशन के अलावा, आप लोगों ने जो आपकी क्या कहते हैं उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको थोड़ा बहुत देख लेना है आपने आफ्ताब अहमद की किताब से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर जगह पे आपको काम आएगा। ट्रांसलेशन है 10 नंबर की, उसकी प्रैक्टिस करें, हफ्ते में भले एक ट्रांसलेशन कर लें, हफ्ते में भले एक प्रेसी कर लें, बहुत रहती है, 2 प्रेसियां कर लें हफ्ते में, ठीक है। एक सेंटेंस लिख, एक वो लिख दिया आपने जो पैराग्राफ होता है, 10 नंबर की लेटर आता है या एप्लीकेशन आता है, वो भी एक पैटर्न की बेस पे डिपेंड कर रहा है, अगर उसका पैटर्न ठीक है तो आपको वैसे ही नंबर दे देता है, ठीक है जी। तो एस लेटर और लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है पीएमएस के अंदर, ये भी आपको वहाँ पे इतने इनको टफ सीन नहीं होता। 10-15 नंबर की आपके पास प्रेपोजिशन आती है, ऑन कहाँ लगना है, एट कहाँ लगना है, टू कहाँ लगना है, ऑफ कहाँ लगना है, ये वाली प्रेपोजिशन, इन टू, ऑन टू, ये सारा कुछ, तो ये प्रेपोजिशन है। उसके बाद आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं और थोड़े बहुत ईडियम आ जाते हैं। 5 नंबर के पीएमएस के अंदर एंटोनियम सिनोनिम सिर्फ 5 नंबर के होते हैं, एंटोनियम्स समटाइम एंटोनियम्स वगैरह देता है, नॉर्मली सिनोनिम्स कम ही देता है, 5-1 नंबर के वो होते हैं, उस पर इतना सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। ईडीएम के ऊपर फोकस करें, ईडीएम्स के ऊपर, पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर लें, हाँ डायरेक्ट इन डायरेक्ट के ऊपर फोकस करना, एक्टिव पैसे पे भी करना है, डायरेक्ट इन डायरेक्ट बड़े आसान होते हैं, एक्टिव पैसे वाइज भी, एक्टिव वाइज पैसे वाइज भी, ये भी आपने इसी बुक से करना है। ये प्रेसी आपके लिए कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं है, टू दी पॉइंट। उसके बाद 3rd नंबर पर आपका आता है जी पाकिस्तान स्टडीज का।
ये पाकिस्तान स्टडीज को आपने थोड़ा बहुत समझना है, इसका पहले ये पाकिस्तान अफेयर्स नहीं, ये पाकिस्तान स्टडीज है। पाकिस्तान स्टडीज में आपने करना ये होता है, मैं एक मिनट देख लूँ उसकी ऐड भी मैंने कॉपी की थी। अच्छा हाँ जी, तो इस्लामिक स्टडीज पाकिस्तान स्टडीज का नाम, ठीक है जी, पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर 20 नंबर की आती है ऑब्जेक्टिव, ये बात याद रखनी है आपने। 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव कैसी आती है, खाली जगह आती है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऑप्शन आपके पास नहीं होते, तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है ना, प्री पार्टीशन का और पोस्ट पार्टीशन का, फिर तो मसले ही कोई नहीं। आपका उधर से जाती होती है मोस्टली आपकी, उसमें से आपके 16-17 नंबर तो पक्के लग जाते हैं ना, 16-17-18 नंबर, 20-20 भी लग जाते हैं जिसकी अच्छी अच्छी जीके के ऊपर अच्छी ग्रिप होती है। 20 नंबर को वो साइड पे करने, पीछे बचते हैं 4 सवाल जो आपने करने होते हैं 20-20 नंबर के। अब वो उनकी उनको ब्रेक डाउन आपने कैसे करना है, पीएमएस की पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ना आपने मुस्लिम्स का डाउनफॉल है वो आपने, एक सवाल है मुस्लिम्स का डाउनफॉल क्यों हुआ, और दूसरा मुगल्स का डाउनफॉल भी उसी के अंदर उसको कवर कर लें। बड़ा छोटा सा है मुगलों का, ठीक है जी, आपको मुगल्स 19 टोटल 20 मुगल्स हैं, उनमें 3-4 प्रोमिनेंट हैं, जहीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर है, थोड़ा बहुत शाहजहां है, और उसके बाद औरंगजेब आलमगीर, ये प्रोमिनेंट है, और आखिरी बहादुर शाह जफर तो फारिग आदमी था। इनको कर लेते हैं तो आपका मुगल तो वैसे ही हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो स्कॉलर्स हैं, जो सूफीज हैं, उनकी उन्होंने दीन की किस तरह से यहाँ प्रीच किया, किस तरीके से इस्लाम को लेकर आए, इस्लाम की डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे हुई, डिफरेंट जो सूफी सिलसिले हैं, सॉरी जो नक्शबंदिया है, चिश्ती है, सोहरावर्दी है, कादरिया, इनके ऊपर भी आपने एक सवाल शॉर्ट सा तैयार कर लेना है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस्लाम की अराइवल कैसे कैसे हुई है, मोहम्मद बिन कासिम से ऑनवर्ड्स गजनी आए, गौरी आए, फिर दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज हैं। ये सवाल बहुत बड़ा होता है, इसको करना बेवकूफ़ी है, ठीक है जी। 5 डायनेस्टीज हैं, उसमें आपकी स्लेव है, उसमें खिलजी, उसमें उसमें तगलुक, उसमें लोधी सैयद हैं और लोधी हैं, ठीक है जी, और उसमें फिर बाकी रिफॉर्मर्स आ जाते हैं। तो ये सवाल थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये सवाल अगर आप तैयार कर लेते हैं या छोड़ दें, आपकी मर्जी है, तैयार कर लें आपकी मर्जी है। टोटल 7 सवाल होते हैं, उसमें 4 सवाल करने होते हैं, 3 फिर भी आपके ऊपर होते हैं कि 3 करें या ना करें। उसके बाद मुगलों वाला मैंने आपको बता दिया, फिर एक और पोर्शन है जिसको हम रिफॉर्मर्स का पोर्शन कहता हूँ मैं। 3 रिफॉर्मर्स हैं मोटे मोटे, खास तौर पे आपके शेख अहमद सर हिंदी, शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेली, चौथे हैं सर सैयद अहमद खान। ये 4 हैं, सर सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह हैं, शेख अहमद सर हिंदी हैं, और आपके शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सर हिंदी, सैयद अहमद शहीद। मोस्टली पेपर में पिछले साल जो पूछता है वो अगले साल नहीं पूछता, अगर उसने 2022 के अंदर शाह वलीउल्लाह साहब को पूछा है तो इस दफ़ा वो नहीं पूछेगा, इस दफ़ा वो किसी और रिफॉर्मर को पूछेगा। लेकिन आपने शाह वलीउल्लाह को ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये ना हो कि वो आपसे मिस हो जाए, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पिछले साल वाले रिपीटेड क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये पता होता है ये सवाल पिछले साल आया हुआ है, इस साल ये इसके कम चांसेस हैं, जाहिर सी बात है उसने पिछले साल वाला तो उठा के नहीं देना ना, ठीक है जी, क्योंकि सब लोग पास पेपर करके बैठे होते हैं। मैं तो इसी तरीके से स्मार्ट तैयारी करता रहा हूँ और लगती रही है, मेरे सारे सवाल लगते रहे हैं इस तरह से। आप 2-3 साल के पास पेपर उठाएं, अच्छी तैयारी करें, आप उनका कंपैरिजन करें, अच्छा ये सवाल पिछले साल आया हुआ है, फिर एक अगले साल नहीं आया, उसके बाद अगले साल में फिर रिपीट हुआ, इसका मतलब ये सवाल अब नहीं आएगा तो ये अगले साल आएगा। इस तरह जब आप करते हैं तो आपको सारा पता चल जाता है। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, रिफॉर्मर्स में से एक सवाल आता होता है, ठीक है जी, या तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर पूछ लेगा, उनकी अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर पूछ लेगा, उन्होंने मुस्लिम रेनेसांस के ऊपर पूछ लेगा किस तरह से लेकर आए, ठीक है, रिवाइवल, मुस्लिम रिवाइवल के अंदर उनका क्या यहाँ पे रोल है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बाद में हुई है उनका क्या रोल है, ठीक है जी। एक ये इसके ऊपर सवाल पूछ लेगा, एजुकेशन सिस्टम, सर सैयद अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर बात कर लेगा, ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान की प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, ठीक है जी, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन। प्रेसी की मैंने 2 बुक बताई हैं, एक आपको सर सबात की बताई है जो कि सिर्फ प्रेसी के लिए है, उसमें कंपोजिशन आपने नहीं करनी, कंपोजिशन होती नहीं है पीएमएस में, पास पेपर आप देखें उठा गया। उसके मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सारे ग्रुप में, जिसको नहीं मिलती मेरे एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लेगी, सेंड इट टू। नेक्स्ट है जी आपका, ये आपका क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे, इसकी किताबें बाद में बताता हूँ। उसके बाद अगला पाकिस्तान की प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन। जो कहना प्री पार्टीशन को तो आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि प्री पार्टीशन में मेन मेन टॉपिक्स हैं आपके कौन कौन से हैं, बंगाल की पार्टीशन,
ठीक है, उसने किस तरीके से आगे बंगाल की पार्टीशन की वजह से मुस्लिम लीग बनाई गई, मुस्लिम लीग बनाई गई क्योंकि रिजेंटमेंट हिंदुओं में पैदा हो गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है जी। और जब भी उन्होंने मिंटो मल रिफॉर्म्स भी दी, बाद में जनाब जाके दोनों इकट्ठे हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, लखनऊ पैक्ट होता है जब जिनाह साहब ने ज्वाइन किया। लखनऊ पैक्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पूछ लेगा। मोंटीगो चैम्फोर्ड रिफॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको देख लें, तरीके खिलाफत है वो पूछ लेगा आपसे, मे भी आ सकता है। दिल्ली प्रपोजल्स को भी देख लें, जितने भी इवेंट्स हैं ना, मतलब हिस्ट्री के पोस्ट पोस्ट, मैं अब एक एक इवेंट पे गिनवाऊं तो आपको बड़ा टाइम लग जाना है। तो अच्छा, दिल्ली प्रपोजल्स हैं, नेहरू रिपोर्ट है, जिनाह साहब के 14 पॉइंट्स हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है जी। पूना एक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गांधी रिवन पैक्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1933 चौधरी अहमद अली भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 का इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से 37 के कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वे इलेक्शन, इलेक्शन पूरे का पूरा आपको पता होना चाहिए, 8 के 8 प्रोविंसेज में जो हुआ, ठीक है जी, 11 प्रोविंसेज में हुआ था, 8 में ले गई थी कांग्रेस, यूपी सीपी बिहार उड़ीसा मद्रास बम्बे सिंध हो गया, पंजाब हो गया आपका, NWFP हो गया बंगाल, ये सारे सूबे थे उसमें, 11 सूबे थे टोटल, ठीक है जी, बनारस भी था, उड़ीसा भी था, तो ये सारे आप देख लें और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट पे मेरा नहीं ख्याल इतना आपसे पूछेगा, देन उसके बाद आपसे वो पूछता है गांधी जी ना टॉक्स भी इतना कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जून प्लान पे तो पूछता है, 3 जून प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किस तरीके से सवाल आता है ये आप देख लें। तो 2 सवाल प्री पार्टीशन से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। पिछले साल से उसने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है, होता ये था कि पहले वो प्री पार्टीशन से कभी 3 सवाल दे रहा है, कभी 4 सवाल देता था, और 3 सवाल देता था पोस्ट पार्टीशन से। इस दफा उसने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया, पोस्ट पार्टीशन से इसने शायद 2 सवाल दिए हैं, शायद मे भी पिछले साल के पेपर मैंने देखा नहीं है गौर से, एक दफा देखा था, तो वो आप देख लें कि रिफॉर्मर आता है और प्री पार्टीशन से 1 सवाल लाजमी होता है। वो दूसरा सवाल, ये प्री पार्टीशन के तमाम इवेंट्स आप लोगों ने बैठ के कवर कर लेने, एक दिन की मार भी नहीं है, आप लोगों ने इसको इतने नोट्स बना लेने, लेकिन ये बात याद रखें इवेंट सारे करने हैं आपको। ऐसा होता है लखनऊ पैक्ट के ऊपर वो पूछ ले कि जी लखनऊ पैक्ट किस तरीके से जो है वो एक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वजह बना था, तो उसके अंदर क्या क्या था और वो क्यों हिंदू और मुसलमान यूनाइट हो गए थे उसके अंदर पहली दफा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब आपको पीछे का पता होएगा तो आप बता सकेंगे ना कि जो डिवाइड थे उनके दरमियान, जो एक फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हो गई थी उनके दरमियान, वो किस तरीके से बाद में ब्रिज हुई आफ्टर द बंगाल पार्टीशन, फिर बंगाल की एनलमेंट की गई, ये सारा कुछ तो ये आपने पढ़ना है बरहाल, आपको तमाम इवेंट्स का पता होना चाहिए। देन उसके बाद मैं अगेन आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, आपको प्री पार्टीशन जब आपकी मुकम्मल हो जाए उसके बाद पोस्ट पार्टीशन में 2 हिस्ट्री आ जाती हैं, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और दूसरी आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो आपकी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आपसे एक सवाल वो देते ही देता है। हमारे टाइम पे उसने एक सवाल दिया था, बड़ा तगड़ा सवाल डाला था उसने, कि ये बताएं कि जो आपकी थी ना ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 वाली लियाकत अली खान ने पेश की थी, उसने पाकिस्तान की तबाही फेर दी थी। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात थी, वो असल चीज़ वही थी जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे, ठीक है जी, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेसिस पर। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने किस तरीके से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को और किस तरीके से जो मॉडर्न मुस्लिम्स थे उनको यूनाइट किया। मगर ये चाय लेकर है, ये बहुत ठंडी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बात हो रही थी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस तरीके से मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स को और किस तरीके से लिबरल मुसलमानों को उन्होंने किस तरीके से आपस में किया, सेटिस्फाई किया। अब ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है, देखा जाए तो बहुत मुश्किल और क्रिटिकल सवाल है। इसमें आपको राइट्स भी पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पूरा पता होना चाहिए जो उसमें दिए गए, और जो इस्लामाइजेशन उसकी वजह से हुई वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पे सवाल आता होता है। दूसरा, वो आपसे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर लेगा। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भले वो खत्म हो गया, लेकिन आपको तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सवाल पॉलिटिकल साइंस का भी यही सवाल है। डिफरेंस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 62 में क्या फीचर्स थी, 56 में क्या फीचर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्यों ये पार्लियामेंट्री, अच्छा नहीं, उसके बाद तीसरा है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी 26 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। 26 की 26 आपको पता होनी चाहिए। 3 उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, 9th, 11th and 15th, जो कि पास ही नहीं हुई, एक एक हाउस से पास होती रही है, दूसरे हाउस से पास ही नहीं हुई।
और सेनेट तो था ही नहीं ना पहले, दो उसमें उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमारा पहले 9 साल तो हमारे आईन ही नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, उसकी वजूहत क्या थी? ठीक है, ये सवाल भी है। पाकिस्तान के बनने के बाद इश्यूज क्या सामने आए हमें, खासतौर पे ये जो जो माइग्रेंट्स थे, तो इस तरह के सवाल भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट बंगाल, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस थे? तो उसके बाद 18th अमेंडमेंट पे आपसे पूछ लेगा, लाजमी पूछता होता है 18th अमेंडमेंट के बारे में, हर दफा पूछता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 18th अमेंडमेंट। ठीक है जी, 18वीं तरमीम के ऊपर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर पूछेगा आपसे, क्योंकि जिनाह साहब भी शुरू से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगते रहे। जब पाकिस्तान बन गया तो हमने हाईली सेंट्रलाइज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना के सुगू का बेड़ा गर्क किए रखा, एंड 18th अमेंडमेंट इज अ रेलिक ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये तो हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। आप मुझे बताएं, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में और उनके पॉइंट्स तैयार करने में कितना को फर्क है? एक में आप ये कहेंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल 73 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, उससे पहले नहीं थी। सेनेट आया 73 में, उससे पहले नहीं था। पहले वाले दो जो थे, दोनों के दोनों वो आपके जनाब प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, जो 73 वाला है पार्लियामेंट्री वाला था। अब आपने इस तरीके से डिफरेंस डिफरेंस उसके दरमियान बताना है, पॉइंट्स बताने हैं। पहले में उर्दू और बंगाली दोनों थी, दूसरे में भी दोनों थी लैंग्वेजेस, तीसरे में आके आपकी सिर्फ उर्दू बच गई। ये आपने वो फीचर्स हैं जो आपने बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा जी, पहले में यूनिकैमरल था, दूसरे भी यूनिकैमरल, तीसरा आके भाई कैमरल हो गया। इस तरीके से ये वाला फर्क आपको बताऊँ, इस तरह के फर्क और आर्टिकल्स कितने थे, शेड्यूल, सब्जेक्ट्स, ये वो सारा कुछ। देन उसके बाद आपको आते हैं पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री, जो कि पोस्ट पार्टीशन है। पोलिटिकल हिस्ट्री में आपको लियाकत अली खान से पता होना चाहिए, गवर्नर जनरल चाह रहे हैं, जिनाह साहब हैं, उसके बाद आपके अपना क्या कहते हैं, जिनाह साहब के बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन आए, उसके बाद आपका क्या मलिक गुलाम मोहम्मद है, उसके बाद चौथा है ये जो आपका था यार मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, बहुत गंदा आदमी था, इसने तो तबाही फेर दी थी। ठीक है जी, उसने चारों के चारों प्राइम मिनिस्टर को हटाया और साथ साइड पे किया, और उसने आपके साथ ही ब्यूरोक्रेसी, और उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो पहले चलने नहीं ना दी उसने। ठीक है जी, और तब से ये गंद पड़ा हुआ है, जब जिनाह साहब के ऑर्डर जनरल फ्रैंक मिजरवी ने रिफ्यूज किए थे कश्मीर की, जब हुई थी वॉर 1947 के अंदर। तो ये आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपको लियाकत अली खान के टाइम से पता हो, टिल आपका जो शहबाज शरीफ का टेन्योर है। अच्छा जी, लियाकत अली खान आया, उसके दौर में डेवलपमेंट्स क्या क्या होंगी, वो डेवलपमेंट्स को नोट डाउन कर लें। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन आया, उसने क्या क्या किया, वो गवर्नर जनरल से आया था, यहाँ पर सीधा प्राइम मिनिस्टर बना था, पहले 9 साल इलेक्शन ही कोई नहीं ना हुए। तीसरा जी आया चौधरी मोहम्मद अली, चौथा आया जी बोगरा, सॉरी पहले आया मोहम्मद अली बोगरा, देन चौधरी मोहम्मद अली आया, फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी आया, फिर उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर आया, और फिर उसके बाद जनाब वाला मलिक फिरोज कानून। ये पहले 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स तो ऐसे ही गए ना, उनके 7 प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है जी, 9 साल के अरसे में आइन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बने नहीं, उसकी रीजन क्या थी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, क्यों इलेक्शन नहीं हुए? ठीक है जी, वेस्ट और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंसेज क्या क्या थे? ये वो 3-4 सवाल हैं जो 1947 से 56 तक बन जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 56 के बाद अयूब खान का माशाल्लाह, आप पूरे का पूरा उसको याद करें, पढ़ें, बेडी सिस्टम किस तरीके से आया, उसमें जितनी डेवलपमेंट थी उसकी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म 60 में इंडस वाटर ट्रीटी है, 60 उसका विजिट भी है अमेरिका का, उसके बाद उसने डैम जितने बनाए, उसके बाद 64 का ऑपरेशन जिब्राल्टर है, 65 की वॉर है, 66 का ताशकंद अकॉर्ड है, बहुत कुछ हुआ अयूब खान के दौर में, 68 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी हुई, उससे और भी बड़े इवेंट्स थे। ठीक है जी, पाकिस्तान 1958 के अंदर ही गया था। मिनट अच्छा, पाकिस्तान जो है वो 1958 में ही गया था पहली दफा आईएमएफ के पास, वो भी आप देख लें। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ आपको पाकिस्तान की, मैं तो डिटेल में लग गया हूँ शुरू में आपको, वैसे अयूब खान का दौर, उसके बाद आपका याया खान का दौर, पाकिस्तान की सेपरेशन हुई, ईस्ट बंगाल हमसे अलग हो गया, उसकी रीजंस क्या थी, ढाका की, उसकी रीजन आपने 1947 से शुरू करनी है, आपने इमीजिएट रीजन तो लिख रहे नहीं है कि जी इलेक्शन हुए थे, भुट्टो को 86 सीट मिली थी, उनको 161 सीट मिली थी अवामी लीग को, तो ये तो रीजन है, एक इमीजिएट रीजन है, उससे पहले जो लावा पक रहा था आपने वो सारा लिखना है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो आपकी जो पॉलिटिकल इथोस थी वैंडलिज्म की, चाहे वो उनको हमने इकोनॉमिक इकोनॉमिक जस्टिस नहीं दिया बंगाल के अंदर, फेमाइन है वो हमसे मैंने नहीं, उसका
उर्दू बंगाली का तनाजा था और बड़े सिस्टम थे, वो चाहते थे कि यहाँ आप ज्वाइंट इलेक्ट्रेट हो, हम चाहते सेपरेट इलेक्ट्रेट हो, और बड़ी रीजन थी। इसलिए यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी रीजन, आपको हिस्ट्री पता होगी तो आप उसको लिख सकेंगे। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, अगेन अयूब खान का दौर हो गया, याया का हो गया, उसके बाद जियाउल हक का, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर है। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में क्या क्या पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स हुई, आपको कॉन्स्टिट्यूशन आया, स्टील मिल लगी, ओ ए सी पे, मुस्लिम यूनिटी हुई, ये वो सारा कुछ, उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेसी वाली रिफॉर्म, थोड़ा बहुत ये देख लें। उसके बाद जियाउल हक का दौर है, जियाउल हक का ब्लीक एरा है पाकिस्तान का, सोवियत अफगान वॉर हो गई, टेररिज्म, ये जो भी आपको दिख रही है रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, ड्रग कल्चर सारा। उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, वो उसको नहीं करने की जरूरत, फिर लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही क्योंकि 58-2 भी था, गुलाम इसा खान आपके साथ ही, बेनजीर भुट्टो को भी फारिग कर दिया, उसको भी, नवाज शरीफ को भी फारिग करा दिया, तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बहुत हद तक रही है। फिर आके जनाब दोबारा अगेन बेनजीर भुट्टो, देन नवाज शरीफ, फिर जियाउल हक, सॉरी मुशरफ आ जाता है 1999 से ऑनवर्ड 2008 तक। मुशरफ के बाद आपका जरदारी 18वीं तरमीम है, इंपॉर्टेंट है, और बड़े इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया और ये सारा कुछ, ऑनवर्ड सी पैक हो गया, ये सारा कुछ, इमरान खान और ये नवाज शरीफ बीच में। तो ये आपकी है पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपने कर लेनी है डिटेल में, इस पर आपका कोई इतना मैक्सिमम टाइम लगना कोई नहीं है, मैं नहीं समझता। वो फारूक लगारी, उसने बेनजीर भुट्टो को दूसरी दफा जाना किया था फारिग, उससे पहले गुलाम इसा खान जो कि सेनेट का चेयरमैन था, उसने भाईजान इसकी जब जियाउल हक की डेथ हुई ही बिकेम द प्रेसिडेंट, उसने ही डिसॉल्व असेंबलीज ऑफ बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ टू बैक इन 1990 एंड 1993। ये फारूक लगारी की जो बात करें वो 1993-6 के एंड की बात है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, उसके बाद ही ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के आप लिस्ट बना लें टॉप 10 सोशल इशूज की, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा मिल जाएगी, सोशल इशूज कौन से हैं पाकिस्तान के, लिखे भी हुए सिलेबस में भी होंगे और भी थोड़े से एक्स्ट्रा कर लें, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बाद आपकी एजुकेशन सिस्टम आपका हो गया बिस्मिल बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, पॉवर्टी हो गई, करप्शन हो गई, उसके बाद आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हो गए पाकिस्तान के, ठीक है ना, तो ये वो इश्यूज हैं, वाटर स्केर्सिटी हो गई आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है, इस तरह के इश्यूज हैं ये आपके पॉलिटिकल, ये आपके सोशल इश्यूज हैं, और भी निकाल सकते हैं छोटे बड़े और इश्यूज, ठीक है, तो पॉपुलेशन पे भी सवाल दे देता है कि अनब्रिडेड ग्रोथ हो रही है, इसके पीछे रीजन कॉज इम्पैक्ट, इनके आपको रीजंस पता हो, पांच छह रीजंस, पांच छह इम्पैक्ट, पांच छह सजेशन, और दुनिया के डिफरेंट मॉडल्स, ये आपको लाजमी पता होने चाहिए, करप्शन को डील करने के लिए किसका मॉडल है, वाटर को बचाने के लिए किसका मॉडल है, उसके बाद जनाब वाला ई गवर्नेंस को लेकर आने के कौन सा मॉडल बेहतर रहेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ईरान बांग्लादेश के मॉडल को देख लें, तो ये कुछ आप चीजें आप जो कि एड ऑन कर सकते हैं जिसमें आपने नंबर्स की वैल्यूएशन होनी है। ये आपने टॉप 10 सोशल इशू निकाल लिए, अभी भैया इकोनॉमी आया नहीं, मैं थोड़ी देर वेट कर लें, ये सोशल इशूज हैं, फिर आपने पॉलिटिकल इशूज की लिस्ट निकाल ली है। अच्छा पॉलिटिकल इशूज हैं कौन कौन से, 18वीं तरमीम, उसके बाद ये जो न्यू प्रोविंसेस की डिबेट है, ये हो गया बलूचिस्तान का इशू हो गया, उसके बाद प्रेजिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इशू है वो हो गया आपका, लोकल गवर्नमेंट का ना होना जो कि डेमोक्रेसी की एक, मैं समझता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, वो चीज़ आपके पास नहीं है, उसको आप तैयार कर लें, ठीक है, इस तरह की लिस्ट आप बना के इनकी रीजन कॉजेज इम्पैक्ट क्यों नहीं है, इनको तैयार करें, करंट जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसके पीछे क्या वजूहत है, इसको ठीक कैसे करें, ये सारा कुछ ठीक हो गया, तो ये आप आपने कर लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इशू के लिए मेरा एक टॉपिक जो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, पूरा लेक्चर पड़ा है वो देख लें, पूरी इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी, उसकी सारी डेफिनेशन GDP GNP से स्टार्ट करें और उसको ले जाएं तक, इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं हमारे, टैक्सेशन सिस्टम, बजट, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा उसके अंदर, इकोनॉमिक इश्यूज की लिस्ट निकाल लें। उसके बाद एक टॉपिक बचता है आपका, दो टॉपिक, एक आपके पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, ठीक है, रिलेशंस नॉर्मली नहीं आते PMS के अंदर, लेकिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती होती हैं, एक आध आती होती है, और कंपैरिजन पूछ लेता है, सार का पूछेगा अपना EU के साथ या SCO के साथ, तो भाई EU वाले तो हैं, उनका तो बड़ा एक और तरह का सिस्टम है, सार में हमारे यहाँ तो रिलीजन ही हर मुल्क का अलग अलग है सिवाय पाकिस्तान को, इसको छोड़ के अफगानिस्तान को और मालदीव को, ठीक है जी, बाकी तो रिलीजन क्या कल्चर डिफरेंट है आपकी, इतनी ज्यादा आपके अंदर डिस्प्यूट्स हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी तैयार करना है आप लोगों ने, SCO हो गई, SAARC हो गई, ASEAN हो गई, OIC हो गई, EU हो गई, ठीक है जी, RCEP हो गई, EC हो गई, तो इनको आपने तैयार कर लेना, ये आपका पाकिस्तान अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर के लिए किताबें के अली की बुक लिख लें, के अली की बुक, मेरी वाली वीडियो यूट्यूब के ऊपर मेरी पड़ी होगी,
ठीक है, उसके अली की बुक लिख लें, उसके बाद आप इसकी बुक ले लें, ट्रैक टू पाकिस्तान दूसरी किताब, तीसरी किताब आप ले लें, सईद अहमद भट्ट की बुक है वो आप ले लें और उस पर आप तैयार कर सकते हैं उसको। और बाकी ये जो मैंने आपको पहले सोर्सेज बताए थे करंट अफेयर्स के लिए, कि ये जो डॉन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बताए थे यहाँ से आप पढ़ें, इनके ऊपर डिफरेंट हर इशू के ऊपर आपके पास दो तीन आर्टिकल्स पढ़े होने चाहिए। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्या है, उसके अंदर बताना क्या क्या है। ये तीन आपके बेसिक हो गए, उसके बाद आपके यानी कि के अली, उसके बाद सईद भट्ट की बुक हो गई, उसके बाद एक बुक अगर आप ऐड करना चाहें, मैं समझता हूँ किप्स की बुक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, गाइड बुक है वो, ठीक है। ट्रैक टू पाकिस्तान आप नहीं भी पढ़ते ना, तो आप कम से कम नोवा की इसकी बुक, किप्स की बुक जरूर पढ़ लें, उसकी जारगन वो बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, ठीक है जी, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, उसको आप लाजमी देखें, वो हो गई। उसके बाद जनाब वाला दो तीन किताबें मैंने आपको बता दी हैं, दो तीन किताबें पढ़ते हुए बंदे कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए हामिद खान की किताब है, उसमें आपने इतनी बड़ी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीन चार टॉपिक्स हैं वो निकाल लेने हैं, टीन्थ अमेंडमेंट और तीनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिवीजन, दैट्स इट, आपने उसमें मजीद ज्यादा कोई नहीं पढ़ना, ठीक है। इसकी इसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपने मुझे रिमाइंड करवाना, मैं भूल ना जाऊँ। उसके बाद है जीके, जीके तो जीके का जो है ना, आपको किसी टीचर से देख लें, पढ़ लें, जो आपको लगता है कि अच्छा टीचर हो, और मैं उस पर क्लेम नहीं करूंगा कि आप मुझसे पढ़ें, मार्केट में और बहुत सारे टीचर हैं जो आपको मुनासिब लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उससे जाके पढ़ें। उसके बाद आप जीके के इम्तियाज शायद के पीपीएससी के पास तो पिछले 2-2.5 सालों के लाजमी करके जाएं, 2020 के एंड पे जब पीपीएससी के ये स्कैम्स स्कैंडल्स लोगों ने सामने कुछ लाने की कोशिश की थी, या जो भी गलत चलत था, या जो भी था, चाहे वो पीपीएससी ने अपने आप से ये सारा कुछ, दो के पीपीएससी वॉज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन उसने फिर भी क्वेश्चन बैंक सुनने में आता है कि चेंज किया है, मुझे मेरे पास वो क्वेश्चन बैंक चेंज होने से क्या हुआ है कि आपको पिछले जो जितने एमसीक्यू उठा के अगले पेपर में आते थे, वो अब सिर्फ 2 साल के पास पेपर आप कर लें, ग्रेड 14, 15, 16, 17 के जितने पास पेपर आते हैं वो उठाएं और उन्हीं को कर लें, अटैम्प्ट कर लें, 50-60 आप पास पेपर अटैम्प्ट करके जाएं, डेली का एक पास पेपर अटैम्प्ट भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपको क्वेश्चन याद रह जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है जी। ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, जीके में आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, करंट अफेयर्स, थोड़ी देर बाद मेरी डेमो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, जीके के लिए पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन, करंट अफेयर्स के पोर्शन में क्या क्या है, उसके बाद इस्लामियत का पोर्शन आपने कैसे करना है, तमाम अम्बिया को, तमाम आप सल्लम की पूरी लाइफ को, हिजरी नबी के सारे इवेंट्स, उम्मातुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, कंपेनियंस, कुरान के एमसीक्यूज, हदीस के एमसीक्यूज, पिलर्स ऑफ इस्लाम जितने भी हैं, उमैया और अब्बासी डायनेस्टी दोनों सारी कर ली तो आपका इस्लामियत भी कवर हो जाता है, ठीक है। सिविल मेटिलेशन भी आपका उसका टॉपिक है, पॉलिटिकल इश्यूज का टॉपिक है, उसको भी करना, बाकी वन पेपर कर ली। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज के पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टडीज के लिए आपने दो किताबें हैं, एक हाफिज साहब की है, जो चुगताई साहब है, करिंदा चुगताई साहब, वी शेयर सेम डिस्ट्रिक्ट, तो उनकी बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है चुगताई साहब की, उसको पढ़ना, जानी मैं अभी लेके देता हूँ नंबर। अच्छा एक सेकंड दे दो मुझे, तो उसके बाद मैं बता रहा था करीमदास चुगताई साहब की बुक, इसका सिलेबस निकाल लें, ठीक है जी, और सिलेबस निकाल के वो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है ना। अच्छा सिलेबस में दीन और मजहब का फ़र्क देख लें, इस्लाम के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम के ऊपर पूछ लेगा, आप इस्लाम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ, सलाम अलैकुम भाई, वालेकुम सलाम भाई, क्या अच्छा जी, तो जानी गिव मी अ मिनट, अभी आ जाता हूँ मैं। अच्छा तो उसके बाद ना आपको मैं बता रहा था इस्लामियत के बारे में, आप इसका सिलेबस निकाल लें, सीएसएस से सिलेबस काम नहीं है इस्लामियत का, पीएमएस के अंदर वो आप देखते जाएं, दो किताबें हाफिज अरशद चद्दर साहब की किताब है, इसमें इस्लामियत में ना मेरे 80 नंबर है पीएमएस के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ मेरे 80 नंबर आए कैसे, और इसकी स्मार्ट थ्योरी आपने कैसे करनी है, आपने इस्लाम के पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम के ऊपर, ठीक है जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके ऊपर, ये जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है इनके ऊपर, अकीदों के ऊपर आपने ना हदीसें और आयतें निकाल लेनी है, और हदीसें आयतें लिखने का तरीका
कुल या अयुहल काफिरून डैश 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 आगे अगर आपको हदीस और कुरान वो याद नहीं है, आयत नंबर आप लिख दें अल कुरान ब्रैकेट के अंदर अल कुरान और नीचे उसका ट्रांसलेशन लिख दें, ठीक है, अरेबिक के अंदर। जब अरेबिक लिखते हैं ना, और मेरा इस्लामियत के अंदर मैं आपको बताऊँ तरीकाकार क्या था, मैं ना एफ पी एस सी की वेबसाइट पर गया, ठीक है, एफ पी एस सी की वेबसाइट पर सी एस एस के लिए रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं, आप जाएंगे ना इस्लामियत के नीचे रिकमेंडेड बुक्स लिखी होती हैं, उन रिकमेंडेड बुक्स में आपको ना बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, बहुत सारी किताबों के नाम लिखे होते हैं, वो आपने उन किताबों के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है, उन सारी की सारी किताबों के आपने नाम याद कर लेने हैं, लिख के साइड पे लगा लेना दीवार के ऊपर 15-14 किताबों के नाम। आपने पेपर के अंदर क्या लिखना है, पेपर के अंदर आपने लिखना है भजन के अकीदे असरत के ऊपर अगर कोई सवाल पूछा हुआ है तो आपने लिखना है कि हम दुनिया के अंदर अकाउंटेबल ठहराए गए हैं, यानी कि अकाउंटेबल अल्लाह ताला की तरफ से ठहराए गए क्योंकि हमने आखिरत के अंदर हिसाब किताब से हमारे अमाल का जजा व सजा होगी, हमारे अमाल नामे जो है उसको सबूत इस तरह करके लिख दें और आगे लिख दें कि जी फिलहाल किताब है उसके अंदर ये हवाला दिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि जी खिलाफत व मलुकियत मौलाना मदूदी, ये किताब में मैंने मार्कर से लिखा और हवाला दे दिया, आगे मैंने बात अपने खुद से कर दी लेकिन रेलिवेंट उसी टॉपिक से ऑथेंटिक के साथ, नमाज फर्ज है ये भी आप लिख सकते हैं अल कुरान, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है ना रेफरेंसेस कैसे ऐड करने, ये आपको पता होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस्लामियत की तैयारी के लिए, तो ये है 35 से 40 आप आयतें निकाल लें, उन्हीं आयतों को आप याद कर लें, थोड़ी थोड़ी आयतें दिल्ली दीवार पर लिख लें, उन्हीं को याद कर लें, हेडिंग्स आप याद करके जाएं, हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, दो दो लाइनों की एक हेडिंग होनी चाहिए। अच्छा ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आगे ऑनवर्ड चलते हैं थोड़ा सा, एक मिनट दे दें, इस्लामियत आपकी हो गई है उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये तरीका कार आप अडॉप्ट करेंगे, रेफरेंसेस बहुत ज्यादा दें, कोटेशन दें, सारा कुछ दें तो आपका आराम से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें आप जीके हो गया इस्लामिक, उर्दू के ऊपर आ जाए, उर्दू आपका उर्दू में ना क़लीदे उर्दू एक किताब है, आपने करना उधर से ही है टॉपिक सारे का सारा, क़लीदे उर्दू से करना है आपने, क़लीदे उर्दू एक किताब है उर्दू की, आपने वहां से सारे का सारा करना है। क़लीदे उर्दू में आपने उर्दू में जो मेन चीज है वो आपकी है तलखीस, प्रेसी, प्रेसी को आपने वही तरीका कर रहा है, आप उर्दू का अखबार पढ़ लें, आप उर्दू की कोई किताब पढ़ लें वहां से, जैसे मैं कहता हूं कि हम मानते हैं, अब मानने की जगह आपने मानना नहीं लिखना, उर्दू में आपने लिखना हम तस्लीम करते हैं, थोड़ी सी बेहतर उर्दू के साथ आपने लिख दिया तो आपको वो अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है जी। वो आपको अच्छे नंबर दे देगा, उसके बाद अच्छा जी उसके बाद आपने क्या करना है कि ना एक मिनट यार देन ऑनवर्ड चलते हैं आगे, उर्दू के लिए क़लीद उर्दू की किताब और उर्दू के लिए वहां से आपके 15 नंबर के जो मुहावरे हैं ना वो तो आपके कवर हो जाएंगे, जैसे ठीक है जी मुहावरे 15 नंबर के हैं और सारे उधर से उठा के देता है, जैसे नाक का बाल हो जाना, आंखों पे ठीकरी रख लेना, ठीक है, या इसी तरह के ना मुहावरे होते प्रोवर्ब्स जिनको कहते हैं, वो आप सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं का सेंटेंस बना के लिख दें तो आपको 15 नंबर पक्के हैं आपके। उसके बाद तलखीस है, उर्दू में मेरे थे 76 मार्क्स तलखीस, आपने उर्दू के पेपर में लोगों से जो मसला होता है ना वो टाइमिंग का होता है, टाइमिंग लोगों से मैनेज नहीं हो पाता। उसके बाद तलखीस आती है जिसको आप कहते हैं तलखीस को आप प्रेसी कहते हैं, प्रेसी भी इंग्लिश की तरह थोड़ी सी टफ होती है, मेरी आई थी तो मैंने तो बड़ा उसको बड़ा सोच समझ के लिखा था, मुझे अभी भी याद है कि तौहीद
परस्ती हदूदो कयूद से मुबर्रा, इस तरह के वर्ड्स मैंने यूज किए थे। आप देख रहे हैं हदूदो कयूद भी और मुबर्रा भी, इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज करेंगे बड़े हैवी हैवी वर्ड्स, तो वो एग्जामिनर तो आपसे मुतासर तो होएगा ना। तो आपने थोड़ा सा उर्दू के लिए थोड़े से वर्ड्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए, ठीक है ना, वो आपने प्ले करना है उसके अंदर। उसके बाद ऐसे है, उर्दू का ऐसे मेन चीज है 30 नंबर का होता है। आपने कम अज कम ऐसे को कम अज कम 45 to 50 मिनट्स आपने देने हैं एट द एंड। 6 to 7 pages पे लिखना है। हेडिंग कोई नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, उसकी कोई आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट ऐसे होना चाहिए। उसी में आपने उसी का कंट्रास्ट भी करना है, कंट्रास्ट भी आपने उर्दू का करना है आपने उसके अंदर। ये फुल तो काम करें उसको। अच्छा, आपने उसके अंदर ना कंट्रास्ट भी करना है, जैसे उसके उसके उसको आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है। जैसे मैंने ऐसे किया था, मईशत का सियासी इस्तेकाम में किरदार या ऐसे कुछ था, मैंने लिखा था कि जिन मुल्कों की मईशत कमजोर है वहां पर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और मैंने अंग्रेजी की कोटेशन भी डाली थी, बाजवा डॉक्टर ने भी लिखा था मैंने कि बाजवा डॉक्टर ने जो था कि हमारी मजबूत मईशत जो है वो सियासी इस्तेकाम की जमानत है, और डेवलपमेंट भी आपकी डेवलपमेंट भी तभी होती है जब आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है। तो इस तरह की जब आप चीजें लिखते हैं तो ठीक है ना, उर्दू कैसे को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप। उसके बाद उर्दू में ना 10 नंबर की आती है करेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, इस तरह के आते हैं उर्दू के अंदर। तो काइंडली आपने इनको जरा गौर से देख लेना है, उर्दू को आपने अच्छे से करना है, और आपने कंपल्सरी के अंदर मैक्सिमम नंबर मारने हैं कंपल्सरी के अंदर। मेरी कामयाबी यही थी, शायद मेरे कंपल्सरी में बहुत नंबर थे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका था पीएमएस के लिए, ऑलरेडी मेरे पास 20-22 मिनट। आगे चलते हैं। उर्दू ऐसे में मैंने आउटलाइन नहीं थी बनाई, कोई भी नहीं बनाता, आउटलाइन की क्या जरूरत है, उधर ही आपको पकड़ ले, लेट्स सपोज वो रेलिवेंट ना हो, आगे वो चेक ही नहीं करेगा, पड़ेगा ही नहीं, 30 नंबर तो गए आपके, रिस्क लेने की क्या जरूरत है 1-2 नंबर के पीछे। तो आउटलाइन ना बनाए, ठीक है। पैराग्राफिंग उसकी अच्छी करते जाए, आप हर पैराग्राफ के शुरू में फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें, खूबसूरती मार्कर यूज करें, ये सारा कुछ। ये तो आपकी हो गई, ये तो हो गए आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स उर्दू के हवाले से, मैं आपको बता दिए। देन अभी हम चलते हैं ऑप्शनल्स के लिए। ना मैं ग्रुप्स निकाल रहा हूँ, आपके पास भी होंगे ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में ना टोटल होते हैं जी ए बी सी डी ई एफ और जी, टोटल हैं जी आपके ए बी सी डी ई एफ जी, 7 ग्रुप्स हैं टोटल। अब 7 ग्रुप्स में पाकिस्तान स्टडीज की अटेम्प्ट का यही है कि आपने मैक्सिमम किताबों के, पाकिस्तान स्टडीज में भी आपने यही करना है, और आपने इस्लामियत में भी यही करना है कि आपने रेफरेंसेस का मैक्सिमम यूज करना है। पाकिस्तान अफेयर्स की सीएसएस की वेबसाइट पे जाएं, रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में जाएं, 15 किताबें उठाएं, 15 किताबें। वायलेशंस फेल में उसका आथर ये लिखता है कि जी कौमें इस तरह फेल होती हैं जिनकी इकॉनमी ठीक नहीं होती, जिनकी बेसिक इशूज होते हैं, गवर्नेंस के इशूज होते हैं, इस तरह का आप उस तरह की रेलिवेंट चीजें उठाएं। लेट्स सपोज मैं वाटर क्राइसिस पर लिख रहा हूँ तो मैं IMF का हवाला दूंगा, मैं UNDP का हवाला दूंगा, मैं UN का हवाला दूंगा, मैं जनाब वाला पाकिस्तान की जो सर्वे होता है उसका हवाला दूंगा। तो आपने ये मैक्सिमम चीजें इन खुद से इनकॉर्पोरेट, आगे सेंटेंस आपने खुद से बना के डालना है, उसको लगे उसको क्या पता कि ये बात उसने की है कि नहीं की, ठीक है जी। तो आपने ये चीजें लिखनी है खुद से बना के भाई, उसको रेफरेंस, उसने उसके पास 2 मिनट होते हैं पेपर पढ़ने के लिए, टिक लगा, आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक अच्छी हो। मैम मेरे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स पड़ी हुई हैं, मैं आपको शेयर भी करता हूँ यहाँ पे, जो ना पहले ये बता दूँ उसके बाद मैं आपसे करता हूँ शेयर। आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम बनानी है, आपने जनाब वाला आपने यू सर्कल बनाओ के आप कुछ रीजन लिख रहे हैं, यू सर्कल बनाया आपने, यू डाल 1 2 3 इस तरह के रीजन, नंबर 1 ये रीजन होगी, 2 ये, 3 ये, 4 नीचे उसके हवाले में दिए। मैप बनाया, लेट्स सपोज कोई भी मैप आप बना रहे हैं तो मैप में आपने पाकिस्तान का मैप सी पैक का बना रहे हैं तो उसमें आपने पाकिस्तान का मैप डालें, सेंट्रल एशिया का डालें, इंडिया का डालें, अफगानिस्तान ईरान का डालें, चाइना का डालें ऊपर, ठीक है। फिर आपने सेंट्रल एशिया का लिख रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे जी एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, ठीक है। उसके बाद अगर साउथ एशिया को लिख रहे हैं तो एनर्जी स्टार साउथ एशिया, ठीक है। चाइना को लिख रहे हैं तो चाइना सी पैक क्यों बना रहा है, चाइना के क्या एडवांटेज होंगे उसका लिखें, इसको चाह बाहर के साथ कंपैरिजन कर दें
आपका मैप भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ये नहीं खाली मैप बना के आपने छोड़ दिया अपना बस हो गई, नो, ठीक है ना। अच्छा मेरे तो यार सोशल वर्क था, आप सोशल वर्क ना रखना, मेरे तो एक सौ नंबर ही बड़े काम थे, 118 नंबर थे सोशल वर्क में, मैंने तो बड़ी मार खाई थी सोशल वर्क में, सिर्फ वाय सब्जेक्ट से मैंने मार खाई थी। उसके बाद अभी बताता हूँ, अभी हम ऑप्शनल्स के ऊपर आते हैं, फिर हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि स्कोरिंग ट्रेंड का क्या हिसाब किताब है और पीएमएस में लोग फेल क्यों होते हैं, ये हमारे पास के क्वेश्चन है, ठीक है। इस्लामियत में भी ये एक बात याद रखें कि इस्लामियत में आपके एमसीक्यूज आते हैं 20 नंबर के, उसके अलावा ऑप्शनल्स में पीएमएस में कोई एमसीक्यू नहीं आता, पीएमएस में ऑप्शनल्स में कोई एमसीक्यू नहीं आता, सिर्फ पाकिस्तान अफेयर में आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं और इस्लामियात में जो कि कंपल्सरी है उसके अंदर आपके आते हैं नंबर, वो क्या कहते हैं, आते हैं आपके वो एमसीक्यूज, और कुछ नहीं आता, ठीक है। या प्रेस्टी के पेपर में है थोड़े बहुत एंटोनियम्स वगैरह, लेकिन बाकी कुछ नहीं है सीन, कोई नहीं है उसका। देन उसके बाद ऑनवर्ड्स आगे चलते हैं हम ऑप्शनल्स के ऊपर। ऑप्शनल्स का जो पहला पहला ग्रुप है वो है जी आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लोग ज्यादातर जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और ये बात याद रखें, बाज अवत लोगों ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं एमएससी सोशियोलॉजी की हुई है, एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है, एमएससी जनाब जनाब वाला बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, और वो पेपर में फेल होते हुए उनके मैंने देखा है, एमएससी केमिस्ट्री वाले लोग बड़े फेल होते हैं, ठीक है, जूलॉजी वाले फेल होते देखे हैं मैंने, यार मेरी डिग्री है, एमफिल किए हुए मैंने, ठीक है, तो भाई पढ़ के जाना था, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरी डिग्री है, मैं तो उसको ऐसी तैसी कर दूंगा, पढ़ के जाते हैं या कम पढ़ते हैं जो भी है उधर फेल हो जाते हैं। तो एक बात तो तय है कि पीएमएस के अंदर आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, भले आपकी डिग्री उसी सब्जेक्ट के अंदर भी हो तो वो गारंटी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका पास हो जाएगा, ऑप्शनल्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, सीएसएस में 33 नंबर वाला ऑप्शनल में पास है, पीएमएस में 33 नंबर वाला कोई नहीं है, पीएमएस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं आपने दोस्त ऑप्शनल्स के अंदर, ठीक है, ऑप्शनल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं, 3 सब्जेक्ट ही चूज करने होते हैं, 3 का मतलब हर सब्जेक्ट जो है वो 200 नंबर का होता है। लेट्स सपोज पॉलिटिकल साइंस है, ये 200 मार्क्स की है, देन उसके बाद ज्योग्राफी आप रख लें वो 200 मार्क्स की है, और पंजाबी रख लें, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ, लेकिन जो सबसे स्कोरिंग है पंजाबी, पंजाबी नहीं है वो बल्कि आपकी पर्शियन है, पर्शियन बहुत स्कोरिंग है यार, 170-180 नंबर आराम से दे जाती है, ये भी 200 की है, तो ये आपके 6 सब्जेक्ट बन जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 होता है और पेपर 2, और इसी तरह पंजाबी का पेपर 1 2, पेपर 1 ज्योग्राफी का भी, पेपर 2 भी, एक पेपर 100 का दूसरा भी 100 का, ये टोटल 200-200 नंबर के होते हैं। सीएसएस की तरह नहीं है कि 5 सब्जेक्ट रखने हैं तो 600 नंबर के हैं वो, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर किताबें अगर आप पूछते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें कि कौन कौन सी हैं और वो आपने करनी कौन कौन सी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें हैं JWT की इकरा रियाज की किताब है जनरल कोर्स के लिए, JWT की वर्ल्ड जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की इकरा रियाज की किताब है कोई, ये मुझे पब्लिक एड के बंदे ने भेजी है, मेरा अपना बैच मेट है अनस्तान भट्टी, उसने भेजी है मुझे। फिलासफी का भी बताता हूँ अभी आपको। अच्छा उसके बाद दूसरी किताब है रोजन ब्लूम फॉर थ्योरीज, ROSEN रोजन, BLOOM ब्लूम, रोजन ब्लूम फॉर थेरीज थेरीज। तीसरी किताब है सुल्तान खान, ये पाकिस्तानी है ऑथर सुल्तान खान, सुल्तान खान जिन्होंने पब्लिक एड रखनी है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। उसके बाद चौथी किताब है न्यूज आर्टिकल्स फॉर कंटेम्प्रेरी, कुछ न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं गवर्नेंस के ऊपर, ये वो सारा कुछ, लेकिन पब्लिक एड इतनी स्कोरिंग नहीं है पीएमएस के अंदर, ये जेन्युइन बात है, इतनी स्कोरिंग नहीं है, मैक्सिमम 130 35 25 20 इतने नंबर दे दिया आपको, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी पहला ग्रुप, इसमें मैं जो सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप ए में कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, पब्लिक एड अगर बहुत अच्छी है आपकी तो फिर पब्लिक एड रख लें। उसके बाद ग्रुप बी है एग्रीकल्चर है, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी एंड जूलॉजी, फिलॉसफी स्कोरिंग है, अभी ठहर जाना सारे मैं डिस्कस करता हूँ। एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी दोनों में लोग मैंने फेल होते देखे हैं,
बॉटनी के अंदर भी, जोलॉजी के अंदर भी लोग फेल होते देखे हैं। वेटरनरी साइंसेस का मुझे नहीं पता, एग्रीकल्चर में भी स्कोर अच्छा आ जाता है अगर आपकी ग्रिप है, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर वाला। एग्रीकल्चर वाला जिसकी एग्रीकल्चर है, कोई फार्मर है, उसको चीजों का पता है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है, डिग्री भी है, तो वो रख ले आराम से। तीसरा आपका है ग्रुप जी मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं इसमें आपको, कुछ लोग होते हैं भाग के स्टैटिस्टिक्स रख लेते हैं या कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं, मैथ्स रख लेते हैं, बाद में रो रहे होते हैं भाई मैथ्स में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ आपका 10 नंबर तो गए ना, 20 नंबर है तो 20 नंबर गए, 5 नंबर है तो 5 नंबर गए, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर की किताबें मुझे नहीं पता, मेरे एक बैचमेट है आबिद मुमताज, उन्होंने रखी थी तो उनको पता होगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग भी मेरा नहीं ख्याल आपको रखनी चाहिए। ग्रुप डी है, डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और ज्योग्राफी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। फिजिक्स बाज़ुकात आपको मरवा भी देती है, इस दफा फिजिक्स ने बड़े लोगों को मारा है। तो फिजिक्स और जियोलॉजी, इसमें जो बेहतर सब्जेक्ट है वो दैट इज ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ग्रुप डी वाला। इसकी मैं आपको किताबें भी बताता हूँ, ज्योग्राफी की किताबें कौन कौन सी, लिख लें आप ज्योग्राफी की बुक्स। पहली है फिजिकल ज्योग्राफी बाय इफ्तिखार अकरम, फिजिकल ज्योग्राफी बाय इफ्तिखार अकरम। दूसरी है पाकिस्तान कॉमा ज्योग्राफी कॉमा इकोनॉमी एंड पीपल, पाकिस्तान ज्योग्राफी इकोनॉमी एंड पीपल। यह फजल करीम खान की किताब है, फजल करीम खान की, फजल करीम खान। उसके बाद तीसरी किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी कल्चर सोसाइटी, ह्यूमन ज्योग्राफी कॉमा कल्चर सोसाइटी एंड स्पेस, एंड स्पेस बाय डी ब्लीज, डी ब्लीज, डी ई डी बी एल आई जे ब्लीज, डी ब्लीज। चौथी किताब है एडवांस नोट्स ऑन ह्यूमन इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी बाय रजाउल्ला खान, रजाउल्ला खान साहब अच्छे टीचर हैं। एडवांस नोट्स ऑन ह्यूमन इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी। और उसके बाद फिलॉसफी की किताबें लिख लें, फिलॉसफी की किताबें, ये फिलॉसफी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फर्स्ट बुक थी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी बाय इफ्तिखार करीम, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी बाय इफ्तिखार करीम, मैं ये साथ साथ आप लोगों की कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ, सबसे पहली किताब है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी बाय फ्रैंक थिले, फ्रैंक थिले, THILLY, फ्रैंक थिले, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी एक किताब। दूसरी है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फिलॉसफी बाय MM शरीफ, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फिलॉसफी बाय MM शरीफ। तीसरी किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी बाय, फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी बाय मियां वकास हैदर, इल्मी पब्लिशर्स वालों की है। किसकी पहली बुक आप पूछ रही हैं? हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी बाय फ्रैंक थिले, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फिलॉसफी बाय MM शरीफ, फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी तीसरी किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी बाय मियां वकास हैदर, इल्मी पब्लिशर्स वालों की है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और बुक बताता हूँ, ये फिलॉसफी वाली साइकोलॉजी की, बल्कि साइकोलॉजी की किताबें लिख लें अब आप। यार मैं उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को ना, इसका स्क्रीनशॉट जो किताबों के, साइकोलॉजी की दो किताबें हैं, एक है BA साइकोलॉजी BA बाय जरीन पार्ट वन एंड पार्ट टू, साइकोलॉजी BA साइकोलॉजी BA बाय जरीन पार्ट वन एंड पार्ट टू। दूसरी किताब है शेरबानो की किताब है BA पार्ट वन एंड पार्ट टू, BA की किताबें हैं पार्ट वन पार्ट टू, एक शेरबानो की और एक जरीन की, फिलॉसफी बाय जरीन ZARIN और शेरबानो की किताब। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ज्योग्राफी की दबी यार, ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी बाय इफ्तिखार करीम,
पाकिस्तान ज्योग्राफी इकोनॉमी एंड पीपल बाय फजल करीम खान, ह्यूमन ज्योग्राफी कल्चर सोसाइटी एंड स्पेस बाय डी ब्लीज। ये स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा आपको ना। अच्छा ये तो हो गया, अब हम आते हैं पार्ट उसके बाद। इसमें से तो ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पार्ट डी। ग्रुप ई है उसमें अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस आपको 140-150 आराम से दे जाता है, 130 भी कॉमन नंबर है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस आपको बचा जाता है अगर आपकी तैयारी अच्छी हो पॉलिटिकल साइंस के लिए। जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, एक तो मैंने अली नकवी साहब के लेक्चर्स लिए हुए हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस। दूसरे नंबर पे आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए सेजेस ऑफ द एजेस एक बहुत अच्छी किताब है, लोग और भी पढ़ते हैं लेकिन मैं सेजेस ऑफ द एजेस बेहतर किताब मुझे लगी है, बाकी मैंने उसमें उसमें सवाल अटेम्प्ट किए हुए हैं। सेजेस ऑफ द एजेस फॉर द वेस्टर्न थिंकर्स, जो वेस्टर्न थिंकर है, प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, उसके बाद आपका कार्ल मार्क्स हो गया, उसके बाद जॉन लॉक रूसो हॉब्स, ठीक है, ये हॉब्स लॉक रूसो, ये तीनों कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स लाजमी करें, कार्ल मार्क्स को करें, मॉन्टेस्क्यू को करें, ठीक है, और प्लेटो अरिस्टोटल को लाजमी आपने करना है, ठीक है। उसके ऊपर किस किस तरह से सवाल आए हुए वो भी इस बुक में लिखे हुए, सेजेस ऑफ द एजेस। दूसरी किताब है असलम चौधरी की मुस्लिम थिंकर्स के ऊपर, असलम चौधरी मुस्लिम थिंकर्स की किताब है। वहाँ से जो मुस्लिम थिंकर्स हैं, चाहे वो फराबी है, खुलदून है, आपका आपके और हैं क्या कहते हैं उसको, फराबी खुलदून, अब तो नाम भी याद नहीं है, एक दो और भी थे, ठीक है जी। तो ये सारे जो मुस्लिम थिंकर्स हैं वहाँ से कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का, इंडिया का, ये लाजमी देख लें। इब्ने खुलदून, फराबी, सारे, इकबाल भी है उधर, सर सैयद भी है इवन, उसको भी करें आप, ठीक है। अच्छा एक और भी है यार, वो जिसने उसका इमाम का कंसेप्ट दिया था, एक और भी फिलोसफर है मुस्लिम, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मवर्दी यस, इमाम मवर्दी, ठीक है जी। तो मवर्दी, खुलदून, फराबी, इकबाल, सैयद, इनको लाजमी करें। गजाली भी है, गजाली का एजुकेशन सिस्टम पूछता है मैथ, ठीक है। उसके बाद इसमें हिस्ट्री, लॉ और मैथ कॉम, मेरा नहीं ख्याल कि मैथ कॉम तो बिल्कुल स्कोरिंग नहीं होता, 115-20-25 तक ले जाएगा आपको मैथ कॉम। लॉ भी एज सच स्कोरिंग नहीं होता, आप इंटरव्यू में बड़ा फंसते हैं इसमें। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हिस्ट्री रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, हिस्ट्री में नंबर भी नहीं आते, तो इसमें नंबर जो देता है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस सीएसएस में भी आपको हेल्प कर जाएगा और इसमें भी हेल्प कर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा अब्दुल्ला के मार्क्स कम बच बहुत अच्छा बहुत बुरा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्कोरिंग नहीं है ना, हमने ये भी तो देखना है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है उसका, क्या वो आइदर इट इज स्कोरिंग और नॉट, ठीक है। हमें तो मसला है स्कोरिंग से ना भाई, एक एक नंबर पर एलोकेशन हो रही है यार, एक एक नंबर पर हम लोग चार चार लोग हमारे बैच में एलोकेट हुए हैं पॉइंट्स पे, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है भाई जान, ठीक है ना, तो आप ये देख लें। उसके बाद ग्रुप एफ है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। ना तो आप सोशियोलॉजी रखें, ना तो आप सोशल वर्क रखें, तो ये लेस स्कोरिंग है, ये हैं बड़े आसान से। सोशल वर्क तो है ही इतना सा बड़ा आसान सा है, आप एक दिन पूरी किताब बैठ के पढ़ लेते हैं, अगले दिन जाके पेपर देते हैं, आपके 100-115 नंबर आ जाते हैं, लेकिन 120 नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते आप सोशल वर्क में, जितना मर्जी जोर लगाए ना, 125 मैक्सिमम 125। पिछले साल शायद कुछ बेहतर ट्रेंड था, लेकिन इस दफ़ा सोशल वर्क का स्कोरिंग ट्रेंड और उससे पहले भी बड़ा खतरनाक रहा है, ये लोगों को मरवा देता है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी भी। आपने रखना जो है, या तो आपने फिलॉसफी रख लें या साइकोलॉजी रख लें, या फिलॉसफी रख लें या साइकोलॉजी, इनमें दोनों में फिलॉसफी आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट नंबर दे जाती है, फिलॉसफी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं होती फिलॉसफी। उसके बाद ग्रुप जी है, वो है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, भाई ये तीनों रखने की जरूरत नहीं है ना, इंग्लिश लिटरेचर ना उर्दू ना अरबिक, उसमें और है एजुकेशन भी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एजुकेशन भी सोशल वर्क की बहन ही है, उसको ना रखें। पर्शियन एंड पंजाबी, इन दोनों में से कोई एक चूज करें, या तो आप पर्शियन चूज करें या पंजाबी चूज करें। पर्शियन का कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप समझते हैं कि यार ये तो फारसियों की जुबान है, वो यार इसमें सारी उर्दू है, मेरी बैचमेट ने की है, सदफ़ मैडम सदफ है, उन्होंने वो बताती हैं कि यार इसमें मैक्सिमम उर्दू है, पहला एक पेपर में कुछ और दूसरे पेपर में एक दो सवाल हैं जो पर्शियन के हैं, बाकी
उर्दू से बहुत ज्यादा, 170 160 नंबर, सीधा 40 नंबर की लीड। पर आप सोचें कहाँ पे आप खड़े होंगे। तो मेरी माने थोड़ा इसका सिलेबस देखें पर्शियन का, इसको डिस्कस करें, थोड़ा सा पढ़ें, पास पेपर खोलें, देखें क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो ये तो आपने, अब आप ऑप्शनल मैंने आपको बता दिए, ज्योग्राफी रख लें, पॉलिटिकल साइंस पंजाबी बेस्ट कॉम्बिनेशन, पंजाबी की जगह आप पर्शियन रखना चाहते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, ज्योग्राफी को आप रिप्लेस करना चाहते हैं अपना फिलासफी से या साइकोलॉजी से, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, या पॉलिटिकल साइंस को। तो ये मेरी नज़र में ये सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा आप बाहर ना जाएं, ठीक है जी। पंजाबी के लिए पंजाबी के लिए बुक्स मैं बता देता हूँ, पंजाबी के लिए जो मैंने इस वक्त मार्केट में पंजाबी के लिए कितनी अच्छी बुक्स ने लिखी हूँ मार्केट में, चाहे वो डोंगियां सोचा है, चाहे वो आपकी अदबी पेंडे है, चाहे वो अदबी पेंडे तो फिर भी बेहतर है, पीएमएस के लिए अदबी पेंडे है, पता नहीं डोंगियां सोचा, सीएसएस के लिए शायद पता नहीं ऐसा कुछ है। डॉक्टर अख्तर जाफरी साहब थे, हमारे टीचर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उसमें ड्रामे इतने और अफसाने जो है ना, ड्रामे और नहीं इतने अच्छे लिखे हुए। उसकी जगह पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पंजाब रंग करें। पंजाब रंग जो है कमर हसनैन कादरी की, मैं आई डोंट नो हिम हु इज कमर हसनैन कादरी, बट ही हैज रिटन अ वेरी गुड बुक एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ पंजाबी, चाहे वो अगवाई है चाहे कोई। तो पंजाबी बाई वासिफ लतीफ भी बहुत अच्छी है, और पंजाबी पंजाब रंग जो कमर हसनैन कादरी की है वो भी बहुत अच्छी है। मैंने कमर हसनैन कादरी की तैयारी की थी, मेरा एक बैचमेट है कैसर बाज शाह, सैयद कैसर बाद शाह, उनके 160 नंबर हैं पंजाबी में। अगर आप कहेंगे तो वो पंजाबी पढ़ाते भी हैं, आप उनसे पढ़ भी लें, वो अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है। पर्शियन की किताबें मैं आपको पूछ के बता दूंगा, बल्कि भी फ़ोन करके पूछ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का सबका भला हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, अब हम आते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक कैसे आपने अडॉप्ट करनी है। फिलासफी देख लें, ज्योग्राफी भी देख लें, अभी मैं बताता हूँ आपको ना। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक को, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक आपने कैसे करनी है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के लिए बहुत जरूरी है कि आप को एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आना चाहिए, अच्छा सा, बड़ा क्रंची सा हो, क्रंच सा हो, ठीक है। वस्सलाम, आप ही क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। फिर अरे मैं ना लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे उसकी किताबें तो बता दें पर्शियन की। नहीं 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 अभी 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 रिटर्न में मुझे बानी बता दें, रशीद बुखारी। अच्छा बुखारी साहब, JWT, और एडवांस पब्लिशर्स की कौन सी किताब है? दश्त फारस। अच्छा अच्छा वो किताब है, MA पर्शियन की, कौन सी MA पर्शियन? पर्शियन का MA का सिलेबस, ये कितनी दो कितनी ज्यादा किताबें हैं MA की। सादी रूमी और इकबाल, अच्छा 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 ये ज्यादा इसको आसान किस तरह से उर्दू में पेपर होता है ज्यादातर, मतलब ये पर्शियन में लिखना होता है सारा, ये उर्दू में भी होता है कुछ ना कुछ। पार्ट वन में दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, पार्ट वन टोटली उर्दू है, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा 40 नंबर की पर्शियन है, अच्छा अच्छा 6 होगी ट्रांसलेशन, थैंक यू सो मच सदफ आपकी। हाँ हाँ अच्छा, उर्दू से पर्शियन है आखिरी 40 नंबर में, चलो चलो मैं अभी क्लास में बाद में बात करता हूँ आपसे, बस ये बताना था हम सबको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
अच्छा यार, इसमें ना वो जो बता रही हैं मेरी बैचमेट ही हैं कि पहला पेपर पर्शियन का तो सारे का सारा जो है वो आपका है ही उर्दू में, दूसरा जो है उसमें 40 नंबर की पर्शियन है जो कि आपने इनके सादी रूमी और इकबाल एमए का सिलेबस आपने ले लेना है, और एडवांस पब्लिशर्स की दश्त फारस एक किताब है, और एक है रशीद बुखारी साहब की किताब। यहाँ से आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, पर्शियन से इनके 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 पर्शियन में ट्रांसलेशन करनी है, और दूसरी जो 40 नंबर है उर्दू से पर्शियन में करनी है, बड़ा आसान है। तो यार इतना क्वेश्चन रख लें, मेरा ख्याल तो ये है कि पंजाबी के पेपर टू में लोग बहुत ज्यादा फेल होते हैं, उसको अंडरमाइन ना करें, सीएसएस से टोटली डिफरेंट है। पंजाबी में आपने शेरों की तशरीह भी करनी होती है, ड्रामे भी लिखने होते हैं, पेपर भी बहुत लेंथी होता है, आप ये भी देख लें साथ में, ठीक है? अच्छा, डेली की बेस पर आपने सब्जेक्ट की तरीकाकार की तैयारी आपने कैसे करनी है? आपने तैयारी ऐसे करनी है डेली का, मैं जो करता था, मैं तो डेली एक सब्जेक्ट करता था, इंग्लिश के लिए ऐसे के लिए मैंने फ्राइडे का दिन रखा होता था, और मैंने डेली का 1 घंटा डॉन को देना होता था, आधा घंटा 1 घंटा डॉन को भी और इंग्लिश को भी, यानी कि 1.5 घंटा कह लें प्रेसी के पेपर को डेली की बेसिस पे। उसके बाद आपने डॉन आपका पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा, कर एमसीक्यूज में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता जाता है, और साथ में आपने ना बाकी जो मेरा पूरा टाइम होता था, मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता था, कभी 14 घंटे, कभी सीएसएस में बहुत पढ़ा है, वो बहुत पढ़ा है, लेकिन पीएमएस में आके यहाँ पे चूंकि इतना टाइम नहीं होता था, पीएमएस में भी एंड पे आके ज्यादा पढ़ा है, 22 दिन की टोटल तैयारी थी, पहले शुरू में कुछ दिन आपकी रूटीन बनते बनते 4-5 दिन, आप बाद में इसको 14-15 घंटे पे ले जाएं, ठीक है? तो जितना आप घंटे पढ़ सकते हैं उतने घंटे पढ़ें, लेकिन मेक इट प्रोडक्टिव, फोन शोन साइड पे करके इसको टारगेट बेस पे, टारगेट कैसे, 12 सब्जेक्ट हैं, 12 नहीं है, टोटल 9 सब्जेक्ट हैं देखा जाए तो, ठीक है ना? आपने हर ऐसे तो आपका साथ साथ चलता रहेगा, आपने 1 घंटा जीके को देना है, 1.5 घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें जीके को, 2 घंटे दे दें, 2 घंटे आप जीके को देते हैं, लेट्स सपोज 2 घंटे इसको दे दें, इंग्लिश को दे दें 1.5 घंटा, प्रेसी को 3.5 घंटे हो गए, पीछे आपके पास 7 घंटे हैं, ठीक है, या 6 घंटे लगा लें आप, आपने वो 6 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी एक सब्जेक्ट, पाकिस्तान अफेयर से शुरू कर लें, लेकिन पाकिस्तान अफेयर आपका सिलेबस को निकाल लें, पास पेपर को निकाल लें, और एक हफ्ते में आपके नोट्स भी बन जाने चाहिए, हफ्ते में सिलेबस भी खत्म होना चाहिए, ठीक है? दूसरे हफ्ते में आपका उर्दू खत्म हो जाना चाहिए, तीसरे हफ्ते में आपका इस्लामियात खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप इस्लामियात को जितनी जल्दी नहीं खत्म कर सकते, इस्लामियात का फिर डेली का एक टॉपिक कर लें आप, उसको 1 घंटा अलग से देने, डेली का एक टॉपिक कर लिया, फिर अगले दिन फिर एक अगले टॉपिक किया, अगले दिन फिर अगले दिन टॉपिक किया, इस तरीके से। इस इंग्लिश का कभी आपने इडियम देख लिए, डेली के 3-3 4-4 इडियम करें, 3-3 4-4 पैराफ वर्ड्स करें, हफ्ते में एक आध लेटर लिख लिया, एक आध एप्लीकेशन लिख ली, एक आध प्रेसी कर ली, ठीक है, इस तरीके से इसको चलाएं। उर्दू के लिए 1-2-3 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, जिसकी वीक है उर्दू उसके लिए थोड़ा सा है कि वो डेली की बेसिस पर उर्दू को पढ़े, एक्सप्रेस अखबार पढ़ लें, कोई और पढ़ लें, जंग पढ़ लें, ठीक है, कलीद उर्दू किताब अच्छी किताब है, तो मेरा ख्याल तो यही है। उसके बाद आप और क्या था, हाँ, टारगेट दे के पढ़ें, एक एक वीक का बहुत है, 3 महीने हैं आपके पास, 12 वीक्स हैं, ठीक है, तो उसके बाद 12 आपके सब्जेक्ट्स खत्म, उसके बाद रिवीजन करें, पास पेपर्स को अटेम्प्ट करें, चेक करवाएं, दैट्स इट, ठीक है? अच्छा, मिनिस्ट्रियल कोटा, मिनिस्ट्रियल में 3 ही पेपर होते हैं टोटल, इवेल्यूएशन उस बंदे से करवाएं जो ऑलरेडी पास हुआ हो और लेटेस्ट हो, उर्दू के लिए एक और भी किताब है अगर कोई पढ़ना चाहता है, वो है आपकी ये जदीद अद्वियात उर्दू, वो एसेस के लिए, उर्दू के एसेस के लिए, जदीद अद्वियात उर्दू, यार 22 डेज में पीएमएस की ऐसे की थी, क्योंकि मैं पीएमएस की एक अटेम्प्ट पहले दे चुका था, मुझे इसके सारे डायनामिक्स पते थे, ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट थी पीएमएस की, मैं 2 दफा टॉपर रहा हूँ ना जीके का, तो इसका मतलब ये कि 2 अटेम्प्ट दी है, ठीक है, और उससे पहले मैं सीएसएस में अपना सारा सिलेबस कवर कर चुका था, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का हो, चाहे इस्लामियात का हो, तो ये तो ओवरलैप करते हैं ना, ये तो मेरे सारे ऑलरेडी कवर थे, मुझे जस्ट उनको रिवाइज करना था। उर्दू 2 दिन 3 दिन की मार है, ठीक है, उसी तरह से बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, जीके मेरा वैसे अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे तो इतनी तैयारी में मेरी हो गई थी, लेकिन आप लोग 3-4 महीने दें इसको प्रॉपर टाइम, मेरी तैयारी पहले से अच्छी थी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा 22 दिन से पाई, मेरी तैयारी के पीछे 1.5 साल की मेहनत भी थी सीएसएस वाली,
ठीक है जी, मैंने एक दी है सीएसएस की। उर्दू के शेर के नाम, आपको शायर का नाम पूछता होता है, ठीक है, वो आप जब पता करेंगे तो सिलेबस देखें, पास पेपर देखें उसके बाद। अच्छा एक और चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है ना, वो ये है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है, स्कोरिंग ट्रेंड एजुकेशन का मैं आपको बता देता हूँ। 914 लोगों ने ऑप्ट किया था, 914, इसमें 213 लोग फेल हुए थे और 41, ओनली 41 वो लोग थे जिनके 60+ नंबर है एजुकेशन। इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ 4% वो लोग हैं जिनके 60 नंबर से ज्यादा थे। ज्योग्राफी 1425 लोगों ने ऑप्ट की और जिसमें 277 लोग हैं जिनके 60+ नंबर थे, यानी कि 24% लोगों के 60+ नंबर थे। जियोलॉजी में, जियोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, 50% लोगों के नंबर, जियोलॉजी ओनली 46 लोगों ने ऑप्ट की, उसमें से 16 लोग ऐसे थे जिनके 60+ मार्क्स थे। लॉ में किसी के भी 60+ मार्क्स नहीं आ सके, लॉ 200 लोगों ने रखा था। मैथ कॉम 60+ नंबर जो है वो 276 लोगों के थे, ओनली 15%, 2100 लोगों ने रखा था मैथ कॉम पर। मैथ्स में ओनली 17 लोग थे आउट ऑफ 138 जिनके 60+ नंबर है। अब आप पर्शियन को देखें, पर्शियन टोटल 49 लोगों ने रखी है, टोटल 49, 49 लोगों में से 25 लोग ऐसे हैं जिनके 60+ नंबर हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेरा जीके का सेशन होना है, अगर इसने डेमो क्लास नहीं है वो ले सकता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आप देखें ना, 2681 लोगों ने रखी, जिसमें तकरीबन 677 लोग वो थे जिनके 60+ नंबर हैं, 31% है उसमें रेशो जिनके 60+ नंबर है। फिर साइकोलॉजी है, 200, साइकोलॉजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 712 लोगों ने रखी, इसमें 211 लोगों के नंबर थे 60+। पब्लिक एड 1400 लोगों ने रखी, जिसमें 250 लोगों के 60+ नंबर थे, ठीक, ओनली 23%। पंजाबी देख लें आप, पंजाबी 3200 लोगों ने ऑप्ट की, जिसमें 686 लोग, 686 वो लोग थे जिनके 60+ नंबर है, मेरे भी 60+ थे दोनों पेपर्स में। सोशल वर्क 2800 लोगों ने रखा और सिर्फ 91 लोगों के 60+ नंबर थे, 4%, ओनली 4% लोगों के सोशल वर्क में 60+ नंबर थे। ये देख लें आप सोशल वर्क का हाल। टोटल एप्लीकेंट्स भी होंगे इस दफा तो बहुत ज्यादा होंगे, 35,000 मे बी 40 हो जाए, मे बी उससे कम हो, 30 तक होंगे। कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, लेकिन आप ये ना सोचें आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए, ये आप सोच के दें। उसके बाद जनाब वाला बॉटनी है, बॉटनी का साथ सिर्फ 7 लोग थे 126 में से जिनके 60+ नंबर। अरेबिक ओनली 13 पीपल मैनेज टू गेट 60+ मार्क्स आउट ऑफ 32। एग्रीकल्चर 270 पीपल ऑप्टेड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एंड हार्डली 57 पीपल दे मैनेज टू सिक्योर मोर देन 60% मार्क्स। लाइकवाइज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 324 पीपल ऑप्टेड दिस सब्जेक्ट वाइल ओनली 9 पीपल दे मैनेज टू सिक्योर 60+ मार्क्स। केमिस्ट्री सेम 280 लोगों ने रखी और 23 जो है वो, ये पीपीएससी के मैं आपको बता रहा हूँ सोर्सेस से, ठीक है, केमिस्ट्री में ओनली 20% रिजल्ट रहा 60% लोगों का। कॉमर्स के अंदर 24% रहा, कंप्यूटर साइंस 18% रहा, इकोनॉमिक्स का 12% रहा 60+। तो आप देख लें जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको सब बताए वो सारे के सारे स्कोरिंग हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लोग ब्लंडर क्या करते हैं। ब्लंडर ये करते हैं, पीएमएस के अंदर एक तो उनका लिखते कम है, दूसरा रेलिवेंट नहीं लिखते, तीसरा जो पूछा गया होता है उसको टच नहीं करते, चौथा ये जो लिखा होता है ना डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इसको इसको ब्रेक करना समझे, इसको सीखें, ठीक है, पेपर चेक करके ये पूछ कर रहा है उसको तीन बाजू का, वो तीन तीन चीजें एक ही सवाल के अंदर पूछ लेता है, आप वो दो चीजें एड्रेस कर देते हैं, तीसरी चीज एड्रेस ही नहीं करते, ठीक है, ठीक तरीके से उसको कंपैरिजन नहीं करते, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन नहीं लिखते, मार्कर का यूज नहीं करते, दो दो लाइनों की, मैं तो ये समझता हूँ कि दो दो लाइनों की एक एक हेडिंग होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए पूरी की पूरी हेडिंग, ठीक है।
तो उसके में मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें आप ऐड करें, ऐड करेंगे तो काम बनेगा, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि पीएमएस में, और पीएमएस करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, उसके में उसमें अच्छे नंबर लेना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये था जी पीएमएस का हमारा आज का ओरिएंटेशन, ये फ्री का मतलब कि वैसे ही थी आप सबको बताने के लिए कि ये इस तरीके से आपने तैयारी करनी है पीएमएस की। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, कोई कोई चीज़ रह गई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ये वाली शेप्स बनी हुई है ना, ये वाली शेप्स इस तरह की आपने यूज करनी है पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बताता हूँ आपको मैं, ये एक और डायग्राम बनी हुई इस तरह की आपने यूज करनी है, है ना। ये आप देखें, ये पूरी की पूरी टेबल डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह के जब आप यूज करते हैं ना तो आपका इम्पैक्ट ही और जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ये देखें मैप बना हुआ है, देख रहे हैं इस तरह से आपने चीजों को करना है। नहीं खरीदे तो शेयर शुरू होने लगते, एटीएम लग जाते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू, क्योंकि मुझे आधे घंटे का रेस्ट लेके फिर एक और सेशन देना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।